Any kind of echo from, which was the primary reason why I, I came here, because I needed to. मैंने भी उर्दू शुरू अंग्रेजी शुरू कर दी ना, मुझे बताइएगा आप। जी 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 ये एक फीडबैक मिला है कि फुल इंग्लिश में जाओ भाई ये फर्स्ट फीडबैक मिला है कि उर्दू में मत बात करें बिकॉज देसी को समझ नहीं अभी इंटेलेक्ट डेवलप नहीं हुआ हुआ सिर्फ रेजिस्टेंस ही सबसे पहला ही ये मुझे फीडबैक मिला विच इज़ राइट क्योंकि उर्दू का जितना भी मामला uh, रिलीजियस परस्पेक्टिव से डिलीवर किया गया है वो एक ख़ास वाटरफॉल मेथड से आया है उस वाटरफॉल मेथड की सोर्स में ये अली सोच अलाउ नहीं है जिस सोच के ऊपर हम टैप कर रहे हैं तो आप सोर्स कोड से ही सोर्स नोड से ही आप रिजेक्ट हो चुके होते हैं तो मैं टेक्निकली स्पीकिंग मैं अंग्रेजी इसीलिए ज़्यादा इस्तेमाल कराता हूँ कि मैं तो बात ही उस बंदे से कर रहा हूँ जो आ, इस लेवल पे एक्सपोज्ड है इस लेवल पे एक्सपोज है कि उसका जनरल आईक्यू जो है ना वो अलाउ करता है टू आई मीन अमेरिकन डी कोड के किस जोन में बात हो रही है ये एक्चुअली आपने अच्छी बात की बस हमें एक जो फीडबैक मिला था वो ये था कि यार आप लोगों ने नंबर वन अंग्रेजी में बहुत ज़्यादा बात की है तो चीज़ कुछ समझ नहीं आ रही विच इज़ वाई आज हम कोशिश करेंगे इन शाला कि हम ज़्यादा गुफ्तु उर्दू में करें जी जी लेकिन मैं कुछ मेरे ज़्यादातर सेशन मेरे उर्दू में ही होते हैं मगर मैं जब भी बाय डिज़ाइन बाय डिज़ाइन का वाद में मैं बता दूँ मतलब कि जानते बूझते हुए ओके <laughs> बाय डिज़ाइन ही होता है कि किसी को कोई तुक्का नहीं लग रहा होता सोची समझी काविश होती है तो मैं बाय डिज़ाइन अंग्रेज़ी के कुछ आ, आ, एंट्री पॉइंट्स मैंने रखे हुए हैं जो कि सिर्फ उस लड़के और लड़की के लिए हैं क्योंकि वो एक खास एज ग्रुप है जो कि फील ही उसमें आ, उस एक्सप्रेशन में कर सकता है लैंग्वेज की फ़ील होती है असल में तो मसला ये है और अगर वो फील आपकी नहीं है वो उस दिमाग की उस नस पे जाके ना ना वार किया मैंने तो फिर आपके दिल तक रसाई होगी नहीं तो जिसको भी मेरी अंग्रेजी से मसला होता है मैं उसको बता दूँ कि ये किसी वजह से ये साइफ़र और डिसाइफर हो रहा होता है साथ साथ ये कि किसी मुझे कोई आदत नहीं है मेरे घर में अगर मैं अंग्रेजी में या उर्दू में बात करता मेरे अलास्का की सर्दी में मुझे रात को मेरे अब्बा जी ने बाहर छः छः सात सात फुट बर्फ़ में खड़ा कर दिया था कि चलो तुम इस घर यू डोंट इवन बिलोंग हियर क्योंकि मैंने उर्दू में गलत एक्सेंट में बोल दिया था कोई जुमला और अब्बा जी ने इधर बुलाया और मुझे कहा कि तू तो इस घर का फ़र्द है नहीं इस घर में तो सही उर्दू बोली जाती है सो so, मेरी उर्दू उस उस्ताद ने डेवलप की है जिसने एक ख़ास बहर के अंदर शायरी सिखाई है पूरी कौम को तो उर्दू उर्दू में मसला नहीं है मुझे मुझे उस सोच में मसला है कि जो कि इस वक्त इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में सेटल की गई और इसको छः सात सौ साल लगे इस सोच को सेटल होने में मैं थोड़ा सा कम बता रहा हूँ थोड़े से ज़्यादा लगे क्योंकि ये परजन वरसा हमने ये फारसी वरसा लिया हमने पर फारस की और अरब की नफसियात को अगर आप समझ लें तो बच लेगा कि इस्लाम के अंदर प्रॉपर एक फिलोस कल्चरल फ़िलासफ़ी है जो कि फारस ने बाय डिज़ाइन एंटर की हुई थी आप ये ईरान अलाक वार की बात नहीं कर रहा हूँ ये शुरू से पर्चा शुरू से फारस एक ख़ास तरीके से पूरी दुनिया को देखता आया इस्लाम को उन्होंने उसी तरीके से देखा और मैं आपको स्कॉलरली रिव्यू दे रहा हूँ ये ये मैं अपने कोई मुझे कोई गुस्सा नहीं है किसी पर ना मुझे ना मेरे मामू फारसी हैं ना ना मैं कोई रिश्तेदारी रखता हूँ तो बायसनेस जो कि मैं इधर गैर तासुबाना और बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं बता रहा हूँ कि फारस की नफसियात को इस्लाम में मत एंटर करें ओके इन्होंने तो अल्लाह का नाम खुदा रख दिया हुआ है तो मैं उस उसके उस अलावा और मैं क्या कह सकता हूँ जो अल्लाह को अल्लाह नहीं कह सक रहे हैं उनसे मैं इसी तरह की नफसियात करूँगा कि उन्होंने हर चीज़ अपनी आइसोलेशन में रखी हुई ठीक है नेशन इनकी सिविलाइजेशन है मैं समझ सकता हूँ कि इन्होंने अपनी आइडेंटिटी रखी है आई एम टोटली अगेंस्ट दिस कॉन्सेप्ट कि मैं कोई इस्लाम के अलावा कोई आइडेंटी हो किसी की भी मैं इसलिए बहुत क्लियरली नफसियात बना रहा हूँ जिनकी भी बन रही है अल्लाह तबूल करे कि इस आइडेंटिटी क्राइसिस से निकलें मेरा जो बेसिक मिशन है दुनिया में वो मुस्लिम आइडेंटिटी की क्लैरिटी ही है और उसी के मैं टूर कर रहा हूँ मैं कोई स्कूल नहीं छोड़ा कोई यूनिवर्सिटी नहीं छोड़ी लिटरली हर यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान तकरीबन जहाँ जहाँ पे आ, मुझे लाओ था बाकी जंगों में बहन हूँ जा जा के मैंने यूथ को दोनों हाथों से झंझोड़ा है कि किसी और आइडेंटिटी में ना आ जाना और उसकी डेफिनेशन क्या है कि इस्लाम असल में पूरी तरीके से आपकी शनाख्त हर कंपोनेंट को पूरी तरीके से बिल्ड करता है और आपस में कनेक्ट करता है एक पूरी आइडेंटिटी देता है इस्लाम और इस वक्त तकरीबन दो सौ इक्कीस साल तो भी एग्जैक्ट दो हज़ार तेईस हो गई है सिर्फ दो सोचें इस्लाम में आ चुकी हुई हैं उसमें से एक मेजर ज़्यादातर आबादी की वही सोच है हम चार बंदे कमरे में बैठे हैं पाँच हम प्रॉबली मैं अकेला हूँ जो उस सोच पर है इतनी बड़ी सोच में इस वक्त ज़्यादातर दुनिया के मुसलमान हैं जो उस फिक्र को पूरी तरीके से एब्जॉर्व कर चुके हैं कि इस्लाम का मकसद क्या है एक्चुअली इस्लाम का मकसद और उसके सबसेट में इंसान का मकसद क्या है मेरी वो सोच है ही नहीं मेरी सोच वो, वो माइनॉरिटी के स्कॉलर्स की है कि इंसान का और इस्लाम का मकसद क्या है और जैसे ही आप इस बड़े डेल्टा में आ जाते हैं जो सोर्स पे डिफरेंस है तो फिर तो आगे तो इस बढ़ बढ़ना ही है डेल्टा तो इस वक्त आप किसी से भी जो स्कॉलर आप उठाएंगे जितने मर्जी उलमाए कराम की लिस्ट निकाल लेंगे चाहे वो देवबंदी हों बरेलवी हों एलत हों अलदीसों सब के सब स्कॉलर्स को इकट्ठा करेंगे तो आपको आटे में नमक के बराबर भी वो लोग नहीं मिलेंगे जो उस सोच के ऊपर हैं कि इस्लाम का मकसद वो है जो कि मैं समझता हूँ पूरी तरीके से पढ़ने के बाद कि हाँ मेरी भी वो सोच नहीं थी आई एम माइग्रेटेड माई सेल्फ मैंने यहाँ पे बकायदा हिजरत करके आया हूँ जनी तौर पर कि नहीं इस्लाम का मकसद यही है जो मैं इस पर सोच रहा हूँ बताता हूँ क्या है ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि इस्लाम का मकसद जो है वो एक इंसान की ओज है कि अल्लाह की मार्फत हो और उसका तज्िया हो इट, तजिए नफ्स की पीक और वो फिर आयसो जीजस अब आयसो जीजस की कोई उर्दू नहीं है वो उसको फिर कॉन्फर्मेशन बायस जिसकी भी कोई उर्दू नहीं है वो होता क्या है कि जो चीज़ वो पहले से ढूंढना चाहते हैं उनको कुरान से भी मिलती है उनको हदीस से भी मिलती है सीरा से मिलती है और वह फिर अपना केस प्रजेंट करते हैं ये टफ डेफिनीशन है जिसको मुझे अडॉप्ट करना पड़ा और ये भी नहीं कि मैंने कहा हो यू नो होगा दो दो चीज़ें उनमें से ज़्यादा कोई एक चीज़ कर लें इस तरह का इस्लाम में कोई ऑप्शन नहीं है या तो आप इधर हैं या आप इधर हैं तो इधर क्या है इधर इस्लाम का मकसद बड़ा आसान है कि तमाम तर आर्गूमेंट्स आप मुझसे पूछेंगे मैं दे भी दूंगा कि तमाम तर मामला अल्लाह तला ने एक प्री सपोजिशन के साथ एक्सप्लेन करते हुए बताएँ कि दुनिया में इंसान को अल्लाह ताली के उस इंतजामी अमूर के लिए भेजा गया है जिसमें सिर्फ इंसान नहीं बमाम मखलूक की भलाई एक सिस्टम के थ्रू हो सके उसकी निशानियाँ एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी में मिल जाती हैं आपको लिटरली एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी ओके हालांकि आदम पहले इंसान है, कोई एवोल्यूशन के थ्रू नहीं आए स्टिल मैं ये वल्ला इस्तेमाल कर रहा हूँ कि दुनिया का सारा का सारा मामला अल्लाह तरन पाक के अंदर भी बताया सीरा ने पूरी तरीके सबूत दिया साहबा ने उसको पूरी तरीके से जिन, अपनी ज़िंदियाँ बसर करके दिखाया कि पूरी दुनिया में अल्लाह ताला का इंतजामी अमूर सेटल करना है ज़बरदस्ती तो किसी को मुसलमान नहीं करना जो ग़ैर मुसलमान रहना चाहता है उसको रहने देना मगर दुनिया के ऊपर आदम आदमी का बच्चा उसी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आएगा जिस कॉन्ट्रैक्ट पर आदम्लाम आए थे और आदम आदम्सम दुनिया में अल्लाह ताला का निज़ाम सेटल करने आए थे कि ये है ये अमानत इस आयत का मतलब इस बबल के अंदर सेटल नहीं हो सकता आप चाहे जिस मर्जी स्कॉलर को उठा के देख लें वो हमेशा देवमालाई हवाई किस्म की बातें बताएगा जब अल्लाह ताला कहते हैं कि ना और देजवाल कि, कि वो क्या अमानत थी जो अल्लाह ताला ने आसमानों को भी दी ठीक है पहाड़ों को भी दी और सब ने इनकार कर दिया और इंसान इन, ने कहा कि हम वो मानत लेते हैं उस अमानत का मतलब क्या है अल्लाह तौर पाक में पे दर पै उसका बताया कि भाई ऐसा छोटा मामला नहीं था तुम लोग किसी काम से दलाए हुए थे दिस इज नॉट नाट हैप हैज डिसीजन आई टुक किसी काम से आए तो वो तो काम भी तो हमें पता होना चाहिए ये तो हो ही नहीं सकता कि अल्लाह ताला इतनी बड़ी चीज़ को ग्रे रखते तो जब अल्लाह ताला ने आदम को ही बता दिया कि इसको मैंने दुनिया में खिलाफत दी है दुनिया का नहीं अल्लाह ने अर्द कहा है तो मैं तो पूरी अर्द ही लेता हूँ अभी बात करते हैं दोनों में फ़र्क क्या है मगर अगर बाप को पूरी दुनिया का जिम्मा मिला है तो बेटा फिर उसी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अपना कॉन्ट्रैक्ट बाबा जी का निभाएगा और अगर आप आदम के बच्चे नहीं हैं तो फिर ठीक है कोई और तरीका कर लेंगे मगर अगर हम आदम के बच्चे हैं तो हम पे वही वाले मामला का इतलाक होता है जो हर नबी ने करके दिखाया कि भाई अब अब तैयारी पकड़ो अगर आपको पता है कि पूरी दुनिया की लीडरशिप आपको मिलनी है तो फिर उसकी है एटीट्यूटल स्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा ऐसे तो नहीं मुझे तो पिंडी की लीडरशिप मिल जाए तो मैं तो फेल हो जाऊँगा तो दुनिया की लीडरशिप के लिए क्या एटीट्यूट क्या स्किल्स क्या सेंस क्या नॉलेज चाहिए वो है आपका इस्लाम का इस्लामी कि एक फर्द के ऊपर क्या फराइज है इस बबल के अंदर तो डाला लामा भी पूरा है तजिए नफ्स में सिर्फ अकीदे का फर्क है और ना हिंदू भी ब्राह्मा को एक ही वो ही मानते हैं रब ठीक है वो जो आ, डाला लामा का या बुद्धम का जो फलसफा है वो भी सिंगलर वाहदानियत के ऊपर ही है रही बात बिलीफ और बिलीफ का डिफरेंस तो नहीं इनकी बिलीफ वही है पर्पज़ ऑफ लाइफ फॉर दिस ऑल दिस बबलो इज द सेम सो किसी भी मुसलमान आलिम से और डाला लामा में फ़र्क करना हो आपने महात्मा बुद्ध में या इंदिरा गांधी में फ़र्क करना हो कोई फ़र्क नहीं है महात्मा बुद्ध और इंदिरा गांधी की वर्बैटम एक ही लिटमस टेस्टिंग है और एक ही रिजल्ट आएगा आरानिकली ज़्यादातर मुसलमान वुलमा का भी कोई रिजल्ट आएगा कि भाई आपका काम और कोई नहीं है अपना अपना सफाई करो और जितने लोगों को दावा दे सकते हो कि अपनी अपनी सफाई करें

मैं पैराफेस कर रहा हूँ नहीं तो अल्लाह ने नबियों के नाम बताएं बकायदा ठीक है इब्राहिम से शुरू करके फिर मूसा को दी फिर ईसा को दी बनी इसराइल के बाद नसरानियों को दी हकम दे रहा हूँ मतलब हकूमत दे रहा हूँ तुम्हें इंतज़ाम करो सब के ऊपर इंतजामी मामला बेसिक जिम्मेदारी है अब उन्होंने रू गर्दानी की है फिर फिर गई अपने वादे से और अब तुम्हें दे रहा हूँ साथ ही अल्लाह तह पास कमी नहीं है तुमने भी ना किया तो तुमसे बेहतर कौन उठा के ले आऊँगा मैं दिस इज अट्रक्चरल डिफरेंस ऑफ द टू डिफरेंट मुस्लिम इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना बड़ा मामला है ये, इतना बड़ा मामला है कि क्या सोशलिज्म कैपिटलिज्म कॉम्युनिज्म सब कहानियाँ बहुत लोअर सबसेट्स के अंदर हैं। द बिगर सबसेट इज इवन आप माउद तुंग से पूछें आप लेनिन से पूछें आप कर्ल मार्क्स से पूछें दुनिया के किसी बंदे से उठा के पूछे लामा इकबाज से पूछे कि भाई ओवरऑल गेस्ट ऑल्ट लेवल के ऊपर सिंगल ऑर्गेनिज्म ट्रीट किया आपने नहीं नहीं वो ये ये तो डिस्कशन ही नहीं है हमारी you know? this is, this is के पूरी दुनिया के एक एक बच्चे का ब्राजील के अंदर पैदा हुए चिली के हे के अंदर बच्चे ब्राजील साइबेरिया से ऑकलैंड से एबोरिजिनल न्यूजीलैंड सब जिम्मा हमारा है यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट नाउ दैट टोटली डिफरेंट स्पिन ये आप गेम ही चेंज कर देता है एक आम मुसलमान की कि इतनी बड़ी तैयारी करनी है जी तो so, सबूत क्या सीरा है सीरा सबूत है अगर ये चीज़ ना होती तो साहबा ने वो काम ना किए होते जो उन्होंने किए हैं तजगिया नफ्स के मॉडल पर तबू तो बकर सदीक उम्र मुखताब अली नबी तलेब बिल्कुल अपोजिंग मॉडल के ऊपर चल रहे हैं सहाबी इवन एज फार एज मरवान तक मरवान जैसा ना हंजार भी इस मॉडल पर नहीं था सारी की सारी इनकी उनकी स्ट्रेटेजिक फंक्शनिंग उनकी ऑपरेशनल मॉडलिंग आप देखेंगे आपको पता चलेगा कि देवर ऑल अबाउट अंडर एक्सपेंडिंग द होराइजन ताकि जल्द अजल्द वाला काम पूरा किया जा सके बिग स्टेटमेंट एक तो ये बात वाजी होगी कि सहल भाई बाइबल की उस आयत से डिसग्री करते हैं कि रेंडर की नहीं। के का बोला <laughs> क्योंकि ने, ने, अगर ने, इसको हम रिकनाइज नहीं करेंगे कि इसी ने इंसानियत की तबाहकारी का सबसे बड़ा मौजूद है यानी रेंडर समझा दूँ ऑडियंस के लिए कि इंजील में अंदर एक गॉस्पल के अंदर आयत है कि खुदा के लिए जो है खुदा का उसको दे दो यानी हकूक अल्लाह जिनको कहते हैं हम नमाज पढ़ना रोजा रखना इबादत करना जक़ात देना और जो सीजर का है यानी रोम का जो है। है, उसको वो दो जो उसका हक है चर्च चर्च जी. जी ये तो बाइबल में तो नहीं लिखा हुआ बाइबल में सर यही तो मसला है आई एम प्रीटी श्योर बायबल के अंदर आई हैव रेड द बाइबल मेनी टाइम्स बाइबल में नहीं है अब आप जो बाइबल निकालेंगे जिसमें से ये निकलेगा किंग जे, जेम्स वर्जन जो है <laughs> जे, किंग जेम्स और थोड़े कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट लाइक हो काउंसिल ऑफ नाइसिया के अंदर जी कॉन्स्टेंटिन ने ये फरमान अपने मुंह से खुद जारी करवाया इक्यासी छोटे टट्टू इकट्ठे करके वो जो सत्रह असली अल्लाह के भली आए हुए थे जिन्होंने कहा था मैं वो काउंसिल ऑफ नैसिया की टू पॉइंट स्ट्रेटजी पहले काउंसिल ऑफ नैसिया के बारे में बताते आपने ये जो अब कर तो ठीक है क्रिश्चियनिटी जी, के अंदर कब बहुत बड़ा एक मसला था कि रोमन क्रिश्चियन हो गए थे उससे पहले तक क्रिश्चियनिटी पार्क थी ठीक है हाँ, हिस्ट्री बता रहा हूँ आपको ठीक है जुपिटर ने जो स्टंट मारे थे <laughs> रोम के साथ जिस तरह मैं परजिया की बात नहीं कर रहा था कि ये अपने उस आइडेंटिटी से बाहर नहीं आई इन्होंने इस्लाम के अंदर भी वही परजियन फ्लेवर ही डाला रोमन् ने एग्जैक्टली यही काम क्रिश्चियनिटी के साथ किया जब तक रोमन्स क्रिश्चियन नहीं हुए थे तो क्रिश्चियन प्रोसिक्यूशन पीक पे थी पॉल को भी इन्होंने नहीं मारा हालांकि पॉल रोमन सिटीजन था सेंट पॉल को ठीक है जो रियल प्रॉब्लम है कि रोमन अपनी उस नफसियात से बाहर नहीं आई आई हैव सम कॉन्स इन माय ओन ब्रेन कि रोमन नफसियात में कुछ पावर भी थी मगर ज़ाहिर ये खुराफात तो डाली हुई थी कि जो पिटर से अथीना तक के सारे अफेयर्स भी नहीं गए थे जो इनके अपने खुदाओं के आपस में हो रहे थे वही बच्चे हो रहे थे और फिर इस तरह हजार खुदा खुदा इन्होंने बनाए हुए तो सन ऑफ गॉड का जो एलिमेंट था ये बेसिकली एक रोमन इन्वेशन है सन ऑफ गॉड इज़ नॉट इवन अप फॉर डिस्कशन जब तक के क्रिश्चियनिटी रोम ने एंटर की वरना तो बनी इसराइल तो शुरू से सन ऑफ गॉड के कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट था अब ग्रीस और रोमन दोनों कौमें ऐसी हैं जो सन ऑफ गॉड क्या हजारों सन्स ऑफ गॉड्स हैं ठीक है और हज़ारों डॉटर्स ऑफ गॉड्स हैं और एक ही गोड एक का है तो You know, जूस भी बच्चे देता है उसके भी अफेयर होते हैं कभी कभी औरतें भी पसंद आ जाती है ठीक है छोटा करके बता रहा हूँ उस भाई साहब ने सबसे पहले डिबेट या खुलवाई डिविनिटी ऑफ जीजेस की भाई को शौक था हर चीज़ को डिवाइन करने का तो वो तो पहले उनके पचास हज़ार डिवाइन खुदा हैं जी पैंथियन था उनका जी गॉड का जी तो ये है वो तो ग्रीस भी पैंथियन ही है जी हाँ ये दोनों कौमें यू you नो know, एक क्लासिक मुशर तो, कौम है प्रिज्म है इनका प्रिज्म प्रिज्म के ऊपर कोना एक ही रखा हुआ इन्होंने ठीक है मगर वो बारह अलूहियत नीचे ट्रांसफर होती है प्रिज्म में नीचे अब क्या अब तफसल में बताऊँ किसके कितने गॉड्स हैं किसके कितने दोनों को हम सबको पता है रोम के मुकाबले के खुदा है ग्रीस ने, ने जितने बनाया रोम ने एक एक्स्ट्रा एक बना लिया बाद में पता चला था अथीना ने कोई बच्चा दे दिया और इस तरीके से गॉड्स पे गॉड्स प्रोड्यूस हो रहे दिस इज अ क्लासिकल बैटल बिटवीन द थियोलॉजिकल फिलासफर्स और ग्रीस वर्सेज रोम अब जैसे ही क्रिस्टियनिटी ने एंटर होना था क्रिस्टियनिटी तो रोन मोनोथस्टिक फिलोसफी को सबसे पहले प्रोजेक्ट करती है अब इसमें थोड़ी सी और बहस खोलनी पड़ेगी मैं नहीं चाह रहा हूँ उस तरफ जाए बात कि सेंट पॉल के स्टंट हैं क्या आसन ये आप मेरे से मत पूछें आई थिंक सबको पता होना चाहिए आप अल यहूद के खून के आंसू उनकी कुतुब में पढ़ें लाल रंग की स्याही से अपने खून से किताबें लिखी उन्होंने सेंट पॉल के की दो नंबरियों के ऊपर जो कि कॉमन सेंस के आर्ग्यूमेंट हैं उनके मैं आपको बेसिक आर्ग्यूमेंट बता रहता हूँ उनका क्योंकि जब ग्रीस के अंदर बात कहीं और ना चली जाए पहले मैं ये बात पूरा मुद्दा जो है ना, जी जी अब कॉन्स्टेंटीन चूँकि सन ऑफ गॉड का बिलीवर शुरू से था उसने सबसे पहली डिबेट ये खोल दी कि जीजस की डिविनिटी जो है ना ये क्योंकि रोमन गांव के अंदर से ये आवाज़ें आई थी और कॉन्स्टेंटीन उनको हवा देता हो रहा था और यहाँ तक कि उसको जाहिर इनको पसंद था अमूमी जो रोमन पेंडू था उसको तो वही वाला इस्लाम क्रिस्टैनिटी मिल सको पाकिस्तान में इस्लाम जो गाँव में होता हर जी जी चीज को पीर भी के आए थे इस्लाम। या, या, पीर हुन की तो क्या बात करनी ना इधर तो रोमन भी उसी तरीके से यहां तक पॉल ने उनके बारे में लिटरली एड्रेस करते हुए लिखा अब ये बाइबल कोट करने लगा कि मैं वो अला कानून में अंग्रेजी को ट्रांसलेट करूं असल में ये आयत पढ़ेंगे आप

हो क्या रहा है खुद मुंह से बोल रहा है कि यू नो तो पीटर और टॉमस का का मैनिफेस्टो हो रहा है और मेरा मैनिफेस्टो हो रहा है क्यों उसका मैनिफेस्टो क्या था रोमन्स ने इस तरह तो नहीं मान लेनी थी ना यहाँ पे वाजे कर दें ऑडियंस के लिए कि पीटर और थॉमस जो है अंग्रेजी के वर्जन रहे उन नामों के जो इस्लाम के हवारी या सहाबी माने जाते थे और उनका मुकदमा हो रहा है और पॉलिन क्रिश्चियनिटी जो सेंट पॉल शुरू करते हैं टॉमस को तो चले आप डाले ना बीच में जी जी टॉमस ए लेकिन पीटर की जो जो आप मेन जो आप समझ रहे हैं दाई है ईसाई स्लाम के आफ्टर हिज हिज डेथ आफ्टर असेंशन सॉरी लेकिन तो... जिनका मैं अपने रिसर्च में वसूख से बता सकता हूँ वो तो मैथ्यू है और जॉन है जॉन ये हमें हमारे पास तीनों तरीके से ग्रीस से भी जहदियों से भी और क्रिश्चियन से भी इनके तो सबूत मिलते हैं टेक्निकली स्पीकिंग प्रूफ कोई नहीं है मगर हैं। जी। अब सेंट मैथ्यू जो है तो तो ने नहीं, नहीं लिखा हुआ आप पढ़ेंगे तो खुद पर चल जाएगा मैथ्यू को थर्ड पर्सन जी सर जी साम्बर इज टॉक अबाउट मैथ्यू मैथ्यू इज नॉट टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ अब मैं उस तरफ तफसील में नहीं जा रहा बहुत सारे आर्ग्यूमेंटेशन है इसके ऊपर भी या तो नो तो, you know, सेंट पॉल असल में हवारी तो है भी नहीं, नहीं। सब सेंट सेंट पॉल तो पाँच साल बाद पैदा हुआ है है ठीक इसका जेम्स के साथ इतना कौन सा दीन है जो मेरे भाई का ही नहीं ये बातें तो की नहीं कभी चार दिन रहा है लड़ाइया करता रहा ठीक है और कह रहा है मुझे वजदान हुआ है रास्ते में मुझे मिल गए और उन्होंने मुझे आप अब मैं आपको आपके जहन में पाकिस्तानी उलमा भी आ रहे हूँ उनको ख्वाब में काफ़ी कुछ पता चल जाता है और सुबह की किताबें लिख देते हैं और हम समझते हैं अल्लाह ने लिखी कॉन्स्टेंटीन तक बात अब यहाँ से आई हुई है कि रोमन्स को पूरी तरीके से इंस्टॉल कर दिया गया ये वाला वर्जन जो पॉल ने दिया हुआ है अब वो इतना बड़ा पॉलिटिकल मामला बन चुका है कि भाई या तो मैं फॉलो थ्रू करूँ या नहीं अब क्रिश्चियन ओरिजिनल क्रिश्चियन तो सारे हर जगह पे पाए जाते हैं ना सिर्फ रोमनिजन तो नहीं, नहीं, था। नहीं। so, पे इतनी बड़ी रिफ्ट क्रिएट हो चुकी हुई थी इसलिए वो, वो सत्रह बंदे आए हुए थे इसलिए नहीं बुलाई हुई थी ये तो इसका रिएक्टिव मेजर था उसने बुलाई इसलिए थी आप ऑफ नैसिया ने क्या जीजस डिवाइन है कि नहीं दिस वॉज द एजेंडाउंसिल ये डिबेट हो रही थी इस डिबेट की जरूरत क्या है कभी सोचे मुसलमानों की ये डिबेट हो रही हो और उल्मा इकराम बुलाए हुए हूँ कि क्या नबी नबीम डिवाइन है कि नहीं सोचे जरा

वो जो सत्रह बंदे थे जो कि तीसरी काउंसिल बनाई सीए में डिसेंट कर रहे थे जो कि जो कह रहे थे नहीं भाई क्या ये क्या नई बातें कर रहे हो देन ही डिड वाज इतनी इसने डिवाइड एंड काउंटर वाली गेम की तफसील पड़ेगी तो आपको बच्चा लगेगा उसके बाद रिएक्शन इसने बोला कि भाई, आप लोगों से मामला नहीं सेटल होना लीव वीजर एंड टू सीजर एंड इज द

पूरी की पूरी रोम में पूरी दुनिया में एक्चुअली कि आप जो ये नहीं मानेगा उसकी प्रोसिक्यूशन है सलमान नहीं, 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 फारसी का वाक्य पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा उनको आइसोलेशन में क्यों मिलते थे पादरी छुपे होते थे वो उनको पता हो रहा था कि भाई मैं बता ही नहीं सकता किसी को ये है प्री प्रोफेसर लैंडस्केप ऑफ क्रिश्चियनिटी इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ किए तो तो नहीं, नहीं। तो थे लोगों ने मैं इसीलिए तो कहता हूँ इस वक्त की बाइबल तो अल्लाह की किताब नहीं हो सकती ना और तो, देखें सताईस में से चौदह किताबें सेंट पॉल की, तो की तो किताब नहीं समझ लेके हवारी ईसा मैथ्यू ने जॉन ने लूक ने इवन मार्क ने इवन एज मार्क ले जाए तो सबूत ने लिखी है हमारी मुसलमानों की कोई किताब ने लिखी हो जो ठीक है मजमुल कबीर ठीक है समझ लेंगे अखबार ने लिखी है किताब आप उसको कैसे सीरियस रीट करेंगे अल्लाह की किताब है सिद्दीक की किताब को हम अल्लाह की किताब नहीं मानते हम सही बुखारी सलाम की हदीस को अल्लाह की किताब नहीं मानते और ये

जो आपने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया ना इसको अंग्रेजी में कहते हैं मैं लफ्ज़ भूल रहा था इसलिए मैं चुप करके गूगल कर रहा था इसको कहते हैं बेसिकली ये होता है मैंने नहीं इंट्रोड्यूस किया मैंने बट कॉन्सेपचुअली <laughs> आप यही बात कर रहे हैं मैं ऑडियंस <laughs> के लिए बता रहा हूँ कि एक कौम होती है जब वो किसी और कौम का मज़हब अख्तियार कर लेती है लेकिन वो अपने सटल तरीक़ों से अपने बिलीफ को और अपने पैंथियन ऑफ गॉड्स को यानी मिसाल तौर पर जो रोमन हैं वो इन्हेरिटेंस हैं है। जब आप ये इस्लाम की आइडेंटिटी की बात करते हैं आइडेंटी कौ, कौ, किया था नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जिस तरह एक इशारा किया कि ईसाइयों ने बेसिकली जब ने नेसाइत को कबूल किया तो ईसाइत के ऊपर एक अफेक्ट आया उसका और एक नई किस्म की ईसाइत पैदा हुई सोच पैदा हुई सिमिलरली आप इशारता ये बात मेरी अक्ल ये कहती है कि आप कह रहे हैं कि जब परशियज ने इस्लाम को एक्सेप्ट किया तो उन्होंने एक पर्शियन इस्लाम या उसकी एक सोच पैदा कर दी और जो सोच सब कॉन्टिनेंट में फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली सेंट्रल एशिया के वाया से बाया के वाया से यानी हमारा जो मॉडल ऑफ इस्लाम है वो एक किस्म का आ, उस रंग में पेश किया गया हमें कि जो हमें हजम होता हमारी कौम को साउथ एशिया में मैं आपको आसान बताता सिर्फ पर्जिया पर इतना बड़ा आपने जो स्कोप कर दिया ना वो दैट्स नॉट जस्ट आपने मेरी बात का स्कोप मेरे इस, इस, इस मुकदमे का स्कोप बढ़ा दिया कि क्या हम सिर्फ परजियन साइकोलॉजी के अंदर

अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पचे क्योंकि okay, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं तो कुछ चीज़ों से इंकार इन, ही हूँ उनका जी <laughs> हाँ वो भी बंदा अशरया फलसफी से कुछ जगहों पर कुछ नुकते हैं जहाँ पर इंकारी फितरतन यानी वो उसको पता भी नहीं होगा कि मैं ऑलरेडी जी जी या नहीं पाकिस्तान में तो बट डिज़ाइन होता है वो क्योंकि हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी हमने डाली हैं जो यू you नो know, अशरिया फलसफे के अगेंस्ट जाती हैं मगर कहते हैं हम अपने आप को अशरइफ सी हैं ठीक है जी हम अकीदे में अशरयी हैं जब आप आश्रिया पढ़ते हैं तो आगे पता चलता है कि नो कुछ जगहों पर जहाँ पे वो रेजिस्टेंस दे रहे थे वो बिल्कुल ठीक रेजिस्टेंस दे रहे थे अब जब एक्सपोजर मिलेगा ना मुस्लिम यूथस को और जब वो किताबें खोलेंगे उनको मोर डिटेल इन टू कि मुतजल कौन थे क्या मसला हुआ था उसके रिएक्शन में अशरिया फ़िलासफर्स फिल, फिल, ने क्यों इतनी फ़ोर्स लगाई यहाँ तक कि मुतजला लाइट्स कन्वर्ट हुए अशरिया में कि भाई ये तो थोड़ा आगे ले गए बात को ठीक है तब आपको पता चलेगा कि अपने आप को आपने पहले सेटल कैसे करना है अब उसकी रिप्रकशन जो है ना या हो सके उसकी आफ्टर मैथ उसकी डिब्री कलेक्टर्स परजियन फिलोसफी आती है कि वो फिर उन्होंने फिर चार चांद लगाए कोई भी आपसे कहता ना वो ऐसा सुपर ह्यूमन कॉन्सेप्ट अरेबियन फिलोसफी में आइन से जो परजन ने डाल दिया उसके रिएक्शन में फिर यू नो करंट डे डेल्टा जो आपको नजर आ रहा है सुपर ह्यूमन का मतलब वो एक तरफ एल तशही हो तो मासुमैन का कॉन्सेप्ट आ जाता है और अगर अल हो तो अल्लाह का अवतार जो भी यू नो दाता सा दाता साहब हों या फिर जो भी हों वो वो एज रिएक्शन आता है फिर इफ यू ओनली लुक एट इट ऑन अ लीनियर बी एबल टू मैप द एग्जैक्ट ईयर कि कब किसने

दत्ता साहब का अपना जो हवाले जिंदगी जो भी रहा होगा वो वैसे भी इनडिस्प्यूटेबल है कोई उनको नहीं कहता कि वो ब, वो ऐसे थे वो सब लोग कहते हैं उन्होंने बाद में लिखने वालों ने पता नहीं क्या क्या, क्या लिख दिया है और हमसे कॉन्सेप्ट य्फ इज़ नॉट जस्ट इन इस्लाम यूल रीड यूल फाइंड आउट यू नो डिफरेंट हर हर मज़हब हर कौम के कोई ना कोई सो so, साहिल भाई sort of साहिब भाई जो कहते हैं कि जो कॉमन एक सेकुलर पुशबैक है एथिहस्टिक जो पुशबैक होगा ना इस पर वो हो ये होगा कि ये अकाउंट्स कॉमन इसलिए हैं थ्रू आउट जिस तरह मसल फ्लड का जिक्र आपको गिलगमेश के एपिक में भी मिलता है वो आर्ग्यू करेंगे कि यार ये वजूहत इसकी एक्चुअली ये है कि ह्यूमन साइकी जो है ना वो बायोलॉजिकली सेम है और हम सिमिलर मिथ्स को क्रिएट करते हैं टू जस्टिफाई सर्टन बिहेवियर्स मसलन मैं एग्जांपल देता हूं ड्रैगन जो है वो आपको मजॉरिटी इंसानों की सिविलाइजेशन में उसकी आपको कोई ना कोई डिपिक्शन मिलती है और एंथ्रोपोलॉजिस्ट ये आर्ग्यू करते हैं कि ड्रैगन इसलिए इंसान डिपिक्ट करते थे बिकॉज वो उनके फियर्स की एम्बॉडीमेंट था यानी उसके पंजे जो थे वो मेमेलियन जानवर था उसके रेप्टिलियन फ़ीचर्स उनके सांप और मगरमच्छों का डर था उसके पर जो थे वो चीलों और इस तरह के खौफनाक परिंदों का उनका जो डर था इट वॉज़ दी एम्बॉडीमेंट ऑफ द अब

That is mad ugly dude. Uh, वो साइंस की नजर से देखना चाहता है दिखाई मैड अगली

कौन सा शहर है जो डूब जाता है एटलांटिस है वो डूब जाता है तो एक फ्लड का कॉन्सेप्ट आपको पूरी दुनिया में मिलता है अब एक आपकी आर्ग्यूमेंट है कि ये कॉमन इसलिए एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि अक्रॉस द स्टेट जो मजहबी खबरें हैं लोगों की आपस में है, जो उनकी माइथॉस है ये झूठ नहीं होती ये एक मजमुआ होती हैं उनकी एंसेस्ट्रल स्टोरीज का लेकिन जो एथियस्ट होगा या होगा कहेगा यार ये मिथ्स होती हैं ह्यूमन बीइंग्स क्रिएट करते हैं सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए करते होंगे मगर वो मिथ्स तो एक

चाइना चाइना इज कनेक्टेड टू पाकिस्तान में भी है। कौन सा जी यही तो मसला है ना ठीक कौन सा पिरामिड अभी छोड़ना तो इस बात को स्विंक्स भी पाकिस्तान में दिखा दूंगा वो है, है? भी टें <laughs>

पर साहिल भाई मैं इतना ज़्यादा वापस लेके आना चाहूंगा जो आप एक मुस्म साइकोलॉजी यानी आप अक्सर ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं आप yeah. मुस्िम साइकोलॉजी का कि मुस्म साइकोलॉजी जो है उसको हमें फिक्स करने की ज़रूरत है या इनफीरियर साइकोलॉजी वर्सेस सुपीरियर साइकोलॉजी तो आपने अभी जो एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है आपने कहा है कि मुसलमान जो हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग ही गलत है कि वो दुनिया में करने के आए हैं yeah. जी उसको इस साइकोलॉजिकल लेंस अच्छा मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं दी है इट अ ऑफ एनी एनी मैन बिलीव्स इन कि वो उसकी अपोजिंग फिलोसफी को गलत बोलेगा ये हमारा नखरा नहीं होता ये बेसिक नेसेसिटी होती है कि आप या तो इस्लाम ठीक है या इस्लाम गलत, है। गलत है। हक और बातिल इकट्ठे दुरुस्त नहीं हो सकते और जब जा आ जाए इस्लामिक फिलॉसफी और पर्पज की तो दो पर्पज इकट्ठे नहीं कर सकते तो इसलिए ब्लेटेंटली बोलना पड़ता है कि आई बिलीव कि ये है हमारा पर्पस और जो दूसरा पर्पस है वो थोड़ा सा ठीक नहीं है वो गलत है ये बताना उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी जितना ये पर्पस समझाना जिम्मेदारी और दूसरा पर्पस ये है कि आप सिर्फ अपने इंडिविजुअल बस टू uh, वर्ड्सल की बस में मार्फत इलाही के लिए अपने तस्किए जन्नत जाने का चक्कर जो ये सारा एक एक आइडिया है कि बस मैं पर्सनली सेलेशन अपनी हासिल कर लूँ आप कह रहे हैं कि नहीं ये मामला ही नहीं है इस्लाम या इवन क्रिश्चियनिटी में भी ये मामला नहीं है ये तो पॉलिन फिलासफ़ी में है क्रिश्चियनिटी और पॉलिन फ़िलासफी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है और मुसलमान एक इस्लामी निज़ाम आप कह रहे हैं कि ये आदम असलाम पूरी दुनिया के लिए आए थे या सिर्फ अपने ख़ास कबीले के लिए आए थे सारे उनके बच्चे हैं तो उनका जो है या फिर ऐसा करें आदमी सलाम के चार बच्चे ले लेते हैं चारों बच्चों को अलग अलग, अलग इजाजतें आदमी सलाम दी थी कि मैं हूँ तो नबी मगर तुम अपने अपने अकीदे बना सकते हो अपने मामलात, अपने मामला अखलाकियात अपने अपने हदूद और ताज़ीर भी बना सकते हो कि आप आदम नबी आदम जैसे आदमी सलाम को नबी कहते हैं जो अल्लाह ने कुरान में कह दिए उसके बाद आप दो पैरल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चला सकते एक नबी के अंडर सो so, अगर आदम आदमी के ऊपर वाकई में ये वाला इंतज़ाम था तो नीचे से ये जो आपने दें आप राइट टू तो लिव राइट टू तो चूज राइट टू तो वरावर राइट टू तो चूज यू रिलीजन भी दें आप मगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी की बेसिस जिस वजह से हम बिलीव करते हैं कि आदम आदमी दुनिया में क्यों कुरान ने तो क्लियर लिखा है खलीफा तो खिलाफत का लिटरल मतलब लेना बेहद आसान और ज़रूरी है कि आप इंतजाम करने आए हुए निज़ामी एक बनाना सिर्फ अदल नहीं होता और भी बड़े मामला होते हैं जी मसल अदल लोगों के आपसी बामी ताल्लुक कैसे होंगे उसको कैसे आपने बरकरार रखना है उसको सिर्फ अदल तो नहीं राम सबसे बड़ा मामला है उसमें राम का मामला फिर इकोनॉमिक्स का मामला क्या लोगों की रिसोर्स कैसे आपने इंतजाम करके देना है बांटनी कैसे अदल है प्रोड्यूस कैसे करनी अदल तो नहीं है ना

है मेरी यूथ से कि पॉलिटिक्स सीखे मुसलमान जैसे ही कलमा पढ़ता है तो वो सूफी नहीं होता वो पॉलिटिशियन बनता है ला इज अ पोलिटिकल स्टेटमेंट जी हाउ कैन यू नॉट सी दिम्पलिसिटी ऑफ पॉलिटिक्स इन देर क्या आप हर उस चीज के अगेंस्ट कह रहे हैं कोई और ताकत नहीं है सिवाय अल्लाह इस ये पॉलिटिक्स नहीं है तो और क्या है गौर समझें तो जो तस्वुफ है वो मोहम्मद रसूल वाला पार्ट है तजकिए की पी की अल्लाह तो पॉलिटिक्स है आप किस दुनिया में किसी भी बंदे को जाए कहते हैं कि जैसे साहबी ने जाके जरता को क्या बोला था उसकी वजीर को उसने कहा क्या तू कर नेजा लेके हमारे कारपेट में सुराख करता हुआ कासिद देना कि ये तुझे किधर आया तुझे पता नहीं है? हमारे रब के सामने तू आ गया और तू इस तरह के फटे हुए कपड़े पहन के नेजा लेके चल रहा है और मतलब प्रोटोकॉल का नहीं पता तेरे रब के सामने कैसे खड़े होते So, उन्होंने जुमला उन्होंने कहा रब रब से से क्या कि उसके की की तरफ से आया। ये है 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 या की है? इसको इस ठीक इस, है, है। और इसका क्या हो वो नहीं वॉर वो तो के लिए थे यही है ना। सोचें तो सही इमाम मेहदी सलाम से लेकर इमाम मेहदी तक हर शख्सियत ने हमारी तलवार उठाई हुई है मुझे बताएं कहीं पे कोई लोटा या जो जाय जा 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 या ये हमारा वतीरा है हमारा वतीरा है कि हम हैं ऑफ द सिस्टम मैं फिर बता दूं यहां पे कोई भी बंदे को ये ऑब्जेक्शन ना है कि ओ आप गैर मुसलमों को यू नो मुसलमान करने की वो स्ट्रैटी नहीं गैर मुस्लिम पूरी दुनिया में से गैर मुसलम एक मुसलमान है दुनिया में ठीक है मेरा बेटा अकेला रह गया मैं किसी और के बारे में बात नहीं करता ताकि ये ना करे मैं किसी और पूरी दुनिया गैर मुस्लिम है काम लेकिन उसका फिर वो ये इंतजाम और निजाम अल्लाह के बनाएगा वो और हर बंदे को कहेगा अगर इस्लाम में आना है अपनी मर्जी है जबरदस्ती कोई नहीं है मगर रूलिंग अल्लाह ताला की और उसको कैसे करेगा वो अपनी आर्गुमेंटेशन कॉम्पिटेंस से लोगों को लिटरली एज मच एज यू कैन कन्विंस करेगा अदरवाइज दीठों के लिए तो इलाज हो टोनिल ने भी किया था अब दूस ने भी किया था मुसलमान करें तो अलकायदा वो करें तो कायदा ऐसे तो ना करें ना ये तो जाती है अच्छा, आप अक्सर एक बात करते हैं कि हमें अपनी साइकोलॉजी कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत है ये एक सुपीरियर साइकोलॉजी कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत है उसके थ्रू ही हम ये सारे अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं तो वो सुपीरियर साइकोलॉजी एग्जैक्टली है क्या पहली चीज़ तो <laughs> और... सुपीरियर साइकोलॉजी बड़ी सिंपल है रॉकेट साइंस होती है तो सुपेरियर ना होती तो थोड़े थोड़े लोगों के लिए होती सुपीरियर साइकोलॉजी होती है कि आप किसी भी मौके पर किसी भी जगह पे अपनी एस्टीम अल्लाह ताला से डायरेक्टली ले रहे हैं। okay. जो अल्लाह ने हुक्म दिया हुआ है उसके पीछे आपको तरद नहीं होता यू डोंट गेट सबसे पहले आप और मैं क्लासिक एग्जाम्पल्स हैं कि हम पचास ऐसे काम इस्लाम के बोल भी नहीं सकते पाकिस्तान में अजीब लगेगा प्रेशर आ जाएगा छोड़ घरों की बात बता रहा हूं अब ये नहीं कह रहा हूं कि वह आर्मी के लेके जाएगी के, आए, कि यू नो मोसाद और सीआईए आएगी उसको छोड़ दें घर में बाप के साथ भी बात करते हैं, अम्मा के साथ बात करते हैं। बेबी वी गेट वी टिमिड लिटिल मिजिट्स खानदान में यह मसला हो जाएगा यह बात कर दी तो यू नो दाढ़ी तक नहीं रख सकता एक पाकिस्तानी लड़का लड़की हिजाब नहीं कर सकती बिकॉज इट इज डिक्टेटोरियल प्रोसेस उर्दू में बताता हूँ ये अल्लाह ताला ने सुरनसा मैदा है जिसकी मिक्सिंग ऑल देम क्योंकि यह दोनों में कि ये ऐसे लोगों से डरते हैं जैसे कि अल्लाह से डरने का हक है लेटरी अल्लाह तला कह रहे हैं कि तुम मुझे पता नहीं है मैंने तुम्हें बनाया है तुम वो वाला पोर्शन ऑफ योर साइकोलॉजी इंसान को क्यों दे रहे हो जो सिर्फ अल्लाह को देनी है तुम्हें ठीक है ये हम करते हैं सुपीरियर साइकोलॉजी बड़ी सिंपल सी होती है कि किसी भी मौके पे अपने मैनरिज्म पे कॉम्प्रोमाइज नहीं है मगर किसी भी मौके के ऊपर आप हर वाक्य जानते हैं कि अल्लाह ताला का क्या हुक्म है और ये पूरा करने के लिए कौन से स्किल चाहिए और मैंने ली भी और मैंने करके देनी अब हर तीन चार तरह की फोर्सेस आती है ना उस पर इमोशनल अलग होती है सोसाइटी सु, सु, की फोर्स जिससे सोशल प्रेशर होता है पीयर प्रेशर बोले फिर पॉलिटिकल फोर्स अलग होती है एंड देन ऑफ कोर्स यू नो अपने भी अगर अगेंस्ट हो इस बात के तो फिर यू नो यू गो एन टाइम और वी करके अपने बच्चे को कैसे मैं या अपने बाप को मैं कैसे कह कुछ सकूँ भी मरण का शौक सी बिल्कुल या सो सुपीरियर साइकोलॉजी ये है कि आप <laughs> किसी भी मौके पे या ही हैज़ दिस नेचुरल टैलेंट फॉर दिस थिंग का कंटेंट सारी या सो तो पॉइंट क्या है अब सुपीरियर क्यों है ऑफ कोर्स इट्स रिलेटिव टू इनफीरियर्स वरना मैं बोलता है एब्सोल्यूट साइकोलॉजी दैट्स स्टेप 2 एब्सोल्यूट साइकोलॉजी एमबीआर की होती है या यू नो इनर सर्कल के साहाबा की थी एबसोलूट साइकोलॉजी होती है वरना मैं भी बोलूंगा किसी को समझ नहीं आनी इन्फीरियर साइकोलॉजी इज द फाइनेस्ट इंडिकेटर के सुपीरियर साइकोलॉजी की जरूरत है और कुरान पाक चीख सीख के बता रहा है कि लोगों की तरह डिवर्ट हो गए थिंकिंग अबाउट के लोग क्या कहेंगे

जब सॉरी आप जब सुपीरियर साइकोलॉजी को डेवलप करना चाहते हैं वाम के अंदर उसकी उनकी ज़हन साजी उस तरह करना चाहते हैं आप कहते हैं कि इंसानों से नज़र उठाओ आसमानों की तरफ नज़र मैं आपको एक और आप सिर्फ मुराद इसमें अल्लाह पे भरोसा नहीं है मुराद ये भी है कि आप अपने से बाहर जमीन को देखें फ़लक को देखें आसमान को देखें आप फिज़िक्स और मैथमेटिक्स जनरली मटेरियल साइंसेस के मुताले को इसके साथ लिंक करते हैं जी जी ये मजबूरी है मैं नहीं करता हूँ इंसान की फितरत है मैं उसको उसका बयानिया जारी करता हूं कि दुनिया में किसी भी मौके के ऊपर आदम से लेकर आज तक किसी भी मौके के ऊपर हमने जब भी हायरार्की बनाई है ना अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हायरार्की क्लियरली बताई हुई है याद रखिएगा किसी शक में मत रहिएगा मिसाल तौर पर अल्लाह ताला ने

थोड़ा सा डीप जाए ज्यादा ना जाए मैं ज्यादा डीप नहीं जाना चाह रहा आज मगर थोड़ा सा जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कुरान पाक के अंदर पोलिटिकल साइंस एस्ट्रॉमी बायोलॉजी जो नफ्स काइल में जो टिब का इलम है उसके थ्रू अल्लाह ताला ने तीनों रलम्स के ऊपर इतनी तफसील बताई हुई है कि कोई भी मुसलमान पैदाइशी एस्ट्रानर होता है चाहे वो वन परसेंट मुसलम है कुरान पाक पढ़ा होता है उसको पता चल रहा होता है कि कहानी तो सात आसमानों की है वी आर वी आर बॉर्न एस्ट्रॉनमरस करंट एस्ट्रॉनमर ठीक है दुनिया के इस वक्त के टॉप नासा के साइंटिस्ट भी सात आसमान नहीं मानते हम मानते हैं वी आर एक्चुअली वे द यू नो द होल मिल्की वेनोटी थिंकिंगल्ड इज द फर्स्ट बडी अलक मज सम दुनिया कि दुनिया को आसमान को अल्लाह ताला ने सितारों से सजाया हुआ है। यह पहला आसमान है उसके बाद पानी है फिर दूसरा आसमान है फिर पानी है लिटरली पानी है फिर तीसरा एंड देन सो फोर्थ और फिर सातवें आसमान के ऊपर पानी है और पानी पे अल्लाह का तख्त है ये जोमेट्री इल्फ शुड द हेल आउट ऑफ नासा कि भाई तुम ये ये मिथ ये मिथोलॉजी नहीं, नहीं है ये लिटरल के मुसलमान पैदाइशी इस्टानर का गौर से मतलब समझ लें ये जो पोर्टर्स वाले जिनको एतराज है ना उनको भी मैं समझा दू नबीसम ने इशार फमाया कि चार पानी के जखीरे ऐसे हैं जो सिदरतम तहा से निकल रहे हैं दो अरब में ठीक है एक फरात है ठीक है और एक और दरिया जो कि अब खुश हो चुका है और दो आउट ऑफ अरब अरब में ही कहेंगे उसको भी क्योंकि एक नील है और एक स्प्रिंग्स है अरबी में रसुल्ला ने किस तरह कहा था नहीं, मुझे वो अरबी आप पढ़े तो आपको पता चलेगा चेक करना चाहे ऑडियंस में सही हदीस है महराज की हदीस है ना महराज पे नबीलाम ने जाके स्क्रीन पे रेफरेंस आ जाएगा किसी भी पॉडकास्ट में आपने बाकी सारे रेफरेंस डाल दिए है जो मैं हदीसें सुना रहा हूँ उनके रेफरेंस लिखे

मगर सही मुस्लिम के अंदर अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि मैं उस दिन जिस दिन की आप बात कर रहे थे जिस रात की नाइट ऑफ द जिन जिसे कहते हैं कि मैं रसूल मैसूस के साथ अखला नहीं अलग, था अलग, अलग, नहीं वो अलग, 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 दो वाकयात हैं दो वाकत को अलग अलग देखें आप ये दोनों के दोनों वाक्यात अपनी अपनी तफसील के साथ मौजूद हैं ये वाला वाक़ अब्दुल्ला बिन मसूद को कैसे कह आपने कोई और जनरेशन जो पढ़ी है जो कि मुझे पता है वो कौन सी है उसमें अब्दुल्ला मसूद को लकीर खींच के नबिर इस्लाम तो फरमाते ना लकीर आगे ना आई अगर वो नहीं थे तो ये मैंने तो बात हो ही नहीं सकती ना <coughs> ये हदीस अपने पूरे के पूरे मतन के साथ मैं आपको मुस्लिम की बता रहा हूँ बाहर एक तुर्क से नहीं दो से आई है तो साहित में किसी और जगह पे भी है आई एम नॉट वो आ जाएगी स्क्रीन पे मैं आपको दे दूंगा स्क्रीन पे लगा दीजिए अब रही बात ये जो है नील और फरात फराज की जड़ से निकल रहे हैं ये

बैतुल मुकद्दस के 300 यार्ड साउथ ईस्ट में हाउ डू यू स्पेल दैट कीहोन जी हां जी सी कीहोन साउंड्स वेरी ईस्ट एशियन नहीं साउंड वेरी हिब्रू इज दिस ओके अ जी हां होंग नहीं 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 जी हाँ होंग फोंग वोंग उस वाले लाइक छोड़ अभी अभी बताता हूँ उसके कितनी बड़ी वैल्यू क्यों है ठीक है क्योंकि सुलेमान ने अपनी असा मार के एक चश्मा फूटा था इस तरह काबे के अंदर काबे के पास ऑफ ऑफकोर्स आब जमज़म जिस तरीके से फूटा है उसी तरीके से ये वाला चश्मा होता अभी सलीमान ये बब्लिकल रेफरेंस है या ये आपको हदीस लिटरेचर मैं हदीस सुना रहा हूँ सलमान वाला भी मुसलमानों का लिटरेचर है मैं आऊँगा जबलिकल लिटरेचर मैं बताऊँगा इसराइलियात में शामिल नहीं किया जाएगा ये हदीस लिटरेचर में आपको मिलेगा सलमान इस्लाम क्या ये सिमिलर इंसिडेंट है जब मूसा इस्लाम ने चश्मे

वो बताऊँगा वो किधर हुआ था वो जो इस वक्त आप देख रहे हैं सऊदी अरब के साउथ में कहीं जाके उन्होंने माउंट कोतूर भी निकाल लिए और इट रियली वो, वो really सेंस ऑन स्कॉलरली लेवल बहुत बड़े फ्लॉज हैं उसके अंदर तो ये जो साइना पनसला क्लेम करते हैं आपको लगता है कि ये शायद में भी नई इसकी एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ बनती कौन क्लेम करते हैं और किसकी लोकेशन इस जो इजिप्शियन से उन्होंने छीना था नहीं नहीं वो तो चीन के तरह वो ये इतनी चीज दे सकते थे और कोई तूर दे रहे थे वो 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 भी मानते हैं इस वक्त के आ, जोड़ी की बात करें ना आप नहीं, नहीं। नहीं। तो नहीं कोई तू सऊदी अरब में इस वक्त ही है आप भी नहीं, नहीं मानते मैं भी नहीं मानता आपके मुताबिक नहीं बहुत ही बड़ी साइड है मैं आपको ये बता दू जो पॉइंट है वो ये है कि एक मुसलमान जब ये मानता हो कि सातवें आसमान से छठे की आसमान से क्योंकि सीधा तो सातवें आसमान तक जाता है मगर उसकी जड़ छठे में तो जड़ से निकल रहे हैं सर ये बात कहां से भाई छठे में ये भी हदी वो एक महराज की एक ही हदीस है जो वो पढ़ेंगे ना पूरी सारा का सारा तफसील उसमें और तो ये एक तुर्ग से नहीं ये तो सबसे मुस्त हदीस है ये भी स्क्रीन पे आ जाएगी आपकी इंशाल्लाह फिक्र नहीं करें ठीक है अब सवाल ये नहीं है सवाल पता क्या है एक मुसलमान जब ये हदीस पढ़ता है तो वो क्या एस्ट्रॉनमर नहीं है क्या वो क्या है वो अरेस्ट्रॉनमर तो नहीं है बट चले उसके अंदर क्यूरियोसिटी तो पैदा तो हो होगी नहीं नहीं एस्ट्रॉमी की बताता बताते क्यों ये वो, वो है। तो जो करंट लेवल ऑफ फिजिक्स में तो नहीं बन जाता ना मतलब अगर ये की चीज मेरा मतलब है डिमांड फॉर एस्ट्रॉनॉमी मुसलमान को गिरती है जी जी आप दूसरी डिमांड क्या गिरती है वो ये कि पानी उधर से निकल रहा है और इधर से बह रहा है बीच में किधर है पानी समय ये वाला सवाल तो बच्चा भी पूछेगा ना कि पाइप लगे हुए सर हमें तो नहीं नजर आ रहे पाइप ठीक है गौर से समझे इस बात को ये मेरे पास कम अज कम डेढ़ सौ महावरतन बता रहा हूँ ऐसी हदीसें मैं आपको सुनाऊंगा आपके तोते उड़ जाएंगे मसला ये पाकिस्तान में एक नफसियात डाल दी गई है को वो हदीस है जयीफ हदीस ये एक रिसेंट फैशन बना है मुसलमान यूथ का हालांकि जिन लोगों ने वो जयीफ हदीस लिखी है दुनिया के चौदह सौ साल के टॉप नॉच स्कॉलर्स हैं वो लिखते हुए नहीं उनको इतराज था और ये अठारह साल का काका का इतना बड़ा जबड़ा खोल के बोल रहा है तो हदीस ही जयीफ है जिसको और कुछ नहीं पता सिवाय इसके कई हदीस जयीफ है किसने बताया जिसने लिखी है उसी ने बताया जईीफ हदीस की कैटेगरी आपको पता होना चाहिए और यह नफसियात गौर है समझ एक मौजू हदीस जो होती है वो पक्का झूठ होता है सलाह जी किसी ने झूठ बांधा है और कभी भी आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगे सिवाय पाकिस्तान में पाकिस्तान में किताब छपती है शरीफ जिसमें दुनिया में कभी भी किसी किताब मुसलमान कभी भी ये किताब लिख सकता मौजू वो लिखेगा तो वो उसने कलेक्शन की होगी ये पढ़ लेना ये मौजू है चले जाना ठीक है जैसे मौजूद जी सुनाता हूँ The rat, बल्कि द फीमेल रैट इज जूश अच्छा ठीक है हाँ नहीं मैंने तो पढ़ी है इसलिए मुझे पता है चूहिया पहले यहूदी थी ठीक है ये भी किसी ने अलग नाम उन्हें भी शाम के नाम पे झूठ बोला आप मुझे पता है कि यह वजूदीस है देखे। देखे। अब जब आप जयफ हदीस के ऊपर आते हैं तो जयीफ हदीस के काफी सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिसकी तफसील में मैं अभी नहीं जा रहा हूं कि जिस वजह से हदीस जयीफ होती है मगर वो हदीस यूजबल होती है ऑन ऑल अकाउंट्स ओके मैं आपको वो क्या नाम है लेनेट का गूगल करें मुझे उसका नाम हमेशा भूल जाता है हालाँकि उसी के मैं आजकल पेपर पढ़ रहा हूँ जो स्टैनफर्ड का जो थियोरेटिकल फिजिक्स का पी एच डी दी, जो डीन है डिपार्टमेंट नाउ जिसकी अभी आता हूँ उसके ऊपर तो अगर एक बंदा एक एकेडमिक लेवल के ऊपर कोई बंदा स्कॉलर है उसकी कोई फिजिक्स की थ्योरी भी आ गई है और पूरी तरीके से क्रेडिटेड है चैलेंज नहीं हो सकी तो वो भी तो मेरे काम की चीज है ना हालांकि वो एक आम बंदा है उसने एक थ्योरी की है और उसको अगर इस्तेमाल में लाया जा सकता है तो ये नॉट चैलेंज मगर जईफ हदीस को नवजिलासलमान खुद चैलेंज करना शुरू हो गए गॉड सुने इस बात को नासुर के कहते हैं और ये उसी सिर्फ उनका नहीं है द वे मैं आपको और भी बता दूंगा कहां पे बारह सौ तो साल से यह असूल चलता हुआ रहा है अगर एक मौजू के ऊपर तीन चार पांच जयीफ हदीसें मिल रही हैं तो हदीसें सही हैं हदीसें भी कभी हो गई हैं

पूरी उमत मुसलमान मानती है कि नबी इस्लाम ने चांद के टुकड़े किए ठीक है जी इनसे कोई बंदा पूछे कि तुम पैंतीस जयीफ हदीसों के ऊपर मान लेते हो और सही हदीसों में ये वाकई ही नहीं है ठीक है

ने कह दिया शक्कुल कमर मेरे की अल्लाह ने कह दिया चांद फट गया और क्या करीब आ गई कमर समझने देख लो आप ऑल्टरनेटिव तफसर कर रहे हैं फिर आपको मिलेगी शायद या आपको किसी तो में तो कोई नहीं है कि तफीमल कुरान ने आपको बताया तफीमल कुरान आपको सुनाई है मैं अभी अरेबियन तरफ जाऊं ना तो किसी और ही एंगल से पकड़ लूंगा मैं तो जाता नहीं क्योंकि तो है उसके जी 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 को पढ़ लेंगे तो मेन स्ट्रीम नहीं है सबसे ज्यादा वायरल तबजील वही है वायरल शक्ल कमर में क्यों बता रहा हूं आपको एक सेटेलाइट से टूटती है ठीक है तकरीबन तेरह हजार किलोमीटर बाद वापस आकर जुड़ जाती है ये मुस्लिम बिलीफ है तेरह हजार किलोमीटर तो महावरतन बोल रहा हूँ इससे भी ज्यादा है ना क्योंकि एक के, के एक पहाड़ पहाड़ के के टुकड़ा इधर गया था तो पहाड़ा का था तो दुनिया में अगर आपको पहाड़ का डिस्टेंस नजर आ रहा है तो ऑफकोर्स ये तो हजारों लाखों मील गया ना चांद का ठीक थी। है मैं महावरतन कह रहा हूँ कि हजारों मील जाता है और हजारों के लाखों मील होगा लिटरली स्पेस स्पेसर ना और सैटेलाइट टूटती है और वापस जुड़ती है और नो मुस्लिम स्कॉलरशिप टॉक्स अबाउट वापस जुड़ना यू थिंक स्प्लिटिंग ऑफ द मून इज अ बिगर इवेंट नो कमिंग बैक एज अ सिंगुलर बॉडी इज अ वे बिगर इवेंट गौर है ये वाक्य ज्यादा बड़ा है ये वाक्य कई सेटेलाइट के साथ रोज हो रहा है कोई सेटेलाइट वापस आके जुड़ नहीं रही सेटेलाइट मतलब मून के कह रहा हूं प्लान के साथ हो रहा है ये हमारे पास जुपिटर और मार्स के बीच में जो प्लेनेट था इसमें फटाफा तो फटा पड़ा, इसको डिबरी बोल रहे हैं ठीक है वो तो फट चुका है टुकड़े टुकड़े घूम रहे हैं ना सूरज के गिर भी, भी। हर, हर, रोज कोई ना कोई प्लान फट रहा है तो चल रही है जैसे तो यूनिवर्स वी लिव इन चांद टूटता है और वापस जुड़ता है अगर आप ये नहीं मानते तो आप तो मुसलमान ही नहीं है कुरान पाक की आए, तो क्लियर है जब ये वाले वाकियात हमें मानने हैं तो कह रहा हूं सुपीरियर साइकोलॉजी आसान काम नहीं है दो, बड़ा। दो, दो मेरे आ, 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 आपसे मैं फॉर वो थोड़ा सा पीछे लेके जड़ से पानी आता है तो अगर आप ये नहीं मान रहे कि कोई और ट्रिजेक्ट्रीज हैं मटीरियल लिटल मेटीरियल वाटर मटीरियल राइट मैटर मैटर ट्रांसफ्यूज कर रहे किसी और जगह पे और नजर नहीं आ रहा और जमीन के अंदर से फूट के दरिया बन जाता है हालांकि सातवें आसमान से आ रहा है और सातवां आसमान कोई मुहावरे में तो नहीं बोला नबी इस्लाम ने वो वाकई सातवां आसमान ही है ठीक है आसमान के ऊपर एक और आसमान है फिर पानी है फिर एक और आसमान है ये तो लिटिल जोमेट्री हमारे हमारे पास तो वी हैव टू यूज नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग कि कौन सा सब्जेक्ट मैटर है कि जो इस मैटर को प्लेनेट के अंदर ट्रांसफर करने के लिए स्टडी करना करना पड़ेगा। करना पड़ेगा? अच्छा अब ने वो ने क्या, क्या करना पड़ेगा? No points. ये तो साहिल भाई जो इंतजाम बनाया हुआ है वो मतलब पानी के ऊपर जो चल रहा है ठीक है जो इंतजाम मैं सबसे छोटा आंसर दे रहा हूँ पानी तो तो दुनिया की लाइफ है अल्लाह तला ने से चार चीजें तो बता दी ये चार नहरें तो उधर से आ रही और बताएं अच्छा मेरे एक दो क्वेश्चन है मैं ऑफ uh, कोर्स आप मुझे प्लीज कंसिडर करें एज अ ले मैन मे बी मैं उनके इंटरेस्ट भी रिप्रेजेंट करूँगा अपने क्वेश्चन में अभी थोड़ी देर पहले मैं थोड़ा सा इसको पीछे लेके जाना चाहूँगा मैं ये क्वेश्चन करना चाहूँगा जैसे आपने कहा कि कहायीफ़ अहदीस आपके लिए इशूज़ नहीं है सर्टन मैंने ना... आज आज नहीं कोई हदीस सुनाई मैं वैसे उस बंदे को एड्रेस कर रहा हूँ कि जिसको पता ही नहीं ज़यीफ़ हदीस के इस्तेमाल का और स्कॉलर्स बोल रहे हैं कि है वो एज अ कॉम्प्लीमेंट बोल रहे हैं

मुसलमान के साथ ना एक मसला हुआ है और समझें और ये एक्सेप्ट करें और कम आउट ऑफ इट हमारे स्कूल ऑफ थॉट लॉयरशिप के लिए थे फिक्स जो होता है जो स्टूडेंस होती है हम सब वकील ट्रेन होते हैं एज मुस्लिम मैं आपसे कह रहा हूँ वकील ट्रेन होना बंद करें इस्ट्रोनर ट्रेन हो पॉलिटिशियन ट्रेन हुआ करें ये मैं एक बता रहा आपको हम वकील क्यों ट्रेन होंगे या आप हनफी हैं या शाफी हैं या सल्फी हैं या जाफरी हैं या यू नो मलकी हैं बराबर ये तो स्कूल ऑफ लॉ है हमारे हम मतलब पूरा इस्लाम कचहरी में आउटसोर्स कर चुके हैं लॉयर माइंडसेट के अंदर सिर्फ लॉ डिस्कस हो सकता है अगर आपने इस्लाम की हिकमत भी एज अ यू नो उनों के ऊपर डिस्कस करनी है कि जिसके ऊपर जो डेवलप डिवेलप हुई भी थी तो अपने आप साथ जाती कर रहे ना। ये क्यों मैं बता रहा हूं कि जईफ हदीस को मसाइल के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता कोई भी मसाइल का मतलब होता है जी जी के लिए कहीं हराम हलाल का मसला आ गया आप नहीं इस्तेमाल मैं कौन सी बात कर रहा हूं चक्कर कमर या याद इसमें कौन सा हराम हलाल मैं आपकी सोच और हदीस से सोच डिवेल्प करने के लिए जितनी ज्यादा मिले ले लो मैं तो मोहम्मद अली जिन्ना क्या नाम है किसी और फिलासफरामा इकबाल के शायरों शायरी से हम सोच डिवेलप कर सकते हैं मगर ये से नहीं कर सकते अल्लाह के नबीम सो ये मसाइल हल्ले तो ना ही इस्तेमाल करनी चाहिए क्योंकि इट डजेंट मेक लीगल सेंस टू हैव समथिंग एज पार्ट ऑफ एविडेंस विच इज वीकर इन हेल्थ तो एक और इससे एक फॉलो अप क्वेश्चन ये बनता है कि फॉर इंस्टेंस ट्रेडिशनली स्पीकिंग जैसे आप कह रहे थे कि उसके अंदर नैरेटिव बिल्डिंग के अंदर जब हम डिस्कशन करते हैं या हम कंजेक्चर करते हैं या हम एक आइडिया कॉम्प्लेक्स आइडिया को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं जी। तो जो ट्रेडिशनल माइंड सेट है उसके अंदर एक ये चीज़ एग्जिस्ट करती है कि वो मुतशा बहत से थोड़ा इजनाब करते हैं मुतशा बहत से थोड़ा पीछे हटने की कोशिश करते हैं और वो इस इस सिलसिले में सूर्य आलमरान की गालिबा सातवी आयते वो कोट करते हैं कि आप मुतश्य हाथ के अंदर ज़्यादा ना पढ़ें ये अच्छी बात नहीं है नबी वसल्लम अल्लाह ताला कहते हैं कि उनसे बच के रहें आयशा आयशरदील्लाके ऊपर हदीस है कि, कि नबी वसल्लम ने कहा कि इनसे पीछे रहें मे बी इस चीज़ की वजह से हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन एग्जिस्ट करता है कि इस तरह की जो चीज़ें होती है जो कंजेक्चर होती हैं या जिनको हम फुली फुल एक चीज़ है मुशतब ठीक है जिसमें शक है शुबा है शुबा तो कोई नहीं कुरान में को जब अल्लाह ताला ने कहा कि हमने इनको शुबा डाल दिया ठीक है अब वो आयत तो में नहीं है ना हालांकि उसमें शुबा डाला हुआ है समझें मुतशबहत तशबी है तशबीर का मतलब है कि कायनात में स्पेशली जन्ना और जहन्नम के अंदर कुछ ऐसी मिसाल जो दुनिया में आपको नहीं बताई जा सकती कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि कुछ फल ऐसे हैं जो दुनिया में भी हैं तो हम आपको कह सकते हैं कि ये वाला फल तो उधर भी है मगर जन्नत के अंदर और किस तरीके से उसकी डिफिनेटिव मेक है उसका पूरा मेकअप ही किसी और, और मामले का है जैसे फॉर एग्जाम्पल जुपिटर के अंदर जुपिटर जो हमें नजर आता है उसके अंदर जो भी मामला चल रहे हैं वी कैन नॉट पॉसिबली इमेजिन बिकॉज वी डू नॉट हैव दैट सोड ऑफ

अगर ये वाले मामला जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं यह हाथ में होते क्योंकि अभी भी एक दिमाग ऐसा है जो सुनने का और उसका वकीड़ा अभी तक सेटिसफाई नहीं होगा कि नहीं सर यह तो आपकी राय है ना कि हाथ में सिर्फ वाली चीजें और भी तो ये तो वो वाली बातें क्योंकि मोदी साहब ने ट्रेन ही ये किया है पाकिस्तान में कि ये तो गायब की बात है मुतशाबात है मैं आपको बताता हूँ अल्लाह तला ने कुरान पाक में कहा लवन हादल कुराना अला खाशियम रही हम इन खशियत कि अगर ये कुरान पहाड़ के ऊपर आता तो वो अल्लाह के डर से रेजा रेजा हो जाता ठीक है तिल कलाम सालू ना तो रिबोह नासी लू या तफक् हूँ ये निशानियाँ तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ निशानियाँ तुम्हें बता रहा हूँ ताकि तुम तफक्र करके सोच सको ठीक है आप ये बताएं मैं अगर कहूँ कि पहाड़ क्यों कैसे रेजा रेजा होता तो क्लासिकल आंसर आता हूं पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड का आलिम पता क्या बोलेगा ये अल्लाह तला ने लिटरेचर की जबान इस्तेमाल की है कि पहाड़ भी फट जाता है क्योंकि तुम्हारे लिए पहाड़ बहुत बड़ी चीज है हालांकि मैं आपको इसकी मैथमेटिक्स बताता हूं मैं आपको कैसे बताऊं मैथमेटिक्स बताने के लिए भी एक बेस मैथमेटिक्स की जरूरत होती है कि जिसको समझ आ शुरू करें सर मगर नहीं, वो मैं बताता हूं ताकि हिंट आपको पता चल जाए कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर किस तरीके से जैसे मैं फॉर एग्जांपल कुरान पाक का एक क्लेम बताता हूं कि एक ब्याच ऐसी है बना के ला के दिखा दो हाँ जी ठीक है हाँ जी अब ये क्लेम दो जगह पे ठीक है सुरनू की एक आयत है ठीक है और मैं रवायात के थ्रू ही बता रहा हूँ कि कौन कौन सी सूरतें वरना अल्लाह ताला ने इस तरीके से दो अलग अलग वाकयात को हम अपनी मर्जी से वो नहीं मैं बता सकता कि फ़लाँ आयत की फ़लाँ आयत है मगर मुझे पता है स्कॉलरली डिबेट सूर नू की आयत के ऊपर है जिसमें बलागत के कुछ ऐसे असूल इस्तेमाल हो गए हुए हैं कि जो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है वो ब्रेन पावर ही कुछ और होती है ऑन well, दैट कि भाई ये तो शायरों को इकट्ठा करके बताया गया था शायरों ने बड़ी कोशिश की वो बड़ा ऑनेस्ट शायर था और वो शायर ने आके फिर खुद ही कह दिया यार कि नहीं पहले उसने डिमांड की थी साल के आटा गंदम दो ये दो मुझे साल सोचना है तो अपनी तरफ से निगोशिएट करके उसने अपनी तो उसके बाद वो आया कहता नहीं यार वेडी ऑनेस्ट ऑफ बट दैट्स नॉट मियर ऑनेस्टी ही कुरंट कम अपनी थिंग नॉन शायरों को तो मैं आपको अभी एक शेर सुनाता हूँ और पता ही नहीं है तो आपकेब का या फिर मैं गलत शेर सुनाता हूँ तो नॉन अरबी स्पीकर के लिए तो मामला था नहीं ये तो उन लोगों के लिए मामला था जो वाकई में उस चीज को मेजर और क्वालिफाई कर सकते हैं कि नहीं इस ये वाले बंदे ने जो आयत बनाई है ये वाकई वो ऐसी आयत नहीं है जैसे कि आ, पाक की आ थे। रेगुलर ले मैं के अरब शायर तो नहीं थे मसला है कि हमें शायरी के अंदर ही बताया गया जब तक मैं खुद मैथमेटिक्स में नहीं गया था मैथमेटिक्स में जाने के बाद मुझे पता चला प्योर मैथमेटिक्स में जाने के बाद मेरे कुछ ऐसे

कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर यहां पे आप नहीं डिस्कस करेंगे मेरे से मेरा बड़ा दिल चाहता है मगर मुझे पता है आप नहीं करेंगे चल रहे hmm. मामना शेक शेख बिल्कुल इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर मैं जिन से खुद पढ़ा हूं मैं खाली आपको उनका नाम बताऊंगा एयर करने के तीन चार हफ्ते बाद आप लोगों का लोकल भी बंद हो जाना है, ठीक है? ठीक मैं वो, मैं इससे ये ये बता रहे मेरे मैथ मैट अल्लाह की तरफ से जिस बंदो ने मुझे कुरान समझाया जिन बंदों ने मुझे हो चुके हैं तो दुनिया के। और फिर ये कहते हैं कर इस वक्त इतना जरूरी है फलस्ती है तजकिया नफ्स कर लें जी ठीक है आरोनिक है ना ये इसीलिए अब अल्लाह की तरफ से क्या हुआ है जो मेरे मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हैं ना लिटरली बता रहा हूँ आपको अल्लाह की तरफ से ये मामला है कि मैंने उनसे खुद अपील की हुई है कि सर मैं कचरा भी नहीं जानता कंपेयर टू माय 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 टीचर्स नॉलेज मैं कुरान और मैथमेटिक्स एक कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ एंड यू नो वट पीपल आर सॉट आउट बाय दिस एनर्जी सेक्टर इधर उधर बेचारे भागते फिर रहे हैं क्योंकि उनको उठाएं ग्यारह थे तीन रह चुके हैं कोई पॉइजन टू डेथ है तो किसी के एक्सीडेंट में अचानक उसी कंपनी के लोग मर रहे हैं सर क्यों क्योंकि वो जिन फार्मूल पर काम कर रहे हैं वो यू नो

इतने अल्फाबेट्स हैं प्राइम नंबर ठीक है number, इसका स्लिप करें तब भी प्राइम नंबर है ठीक है इसको सीधा करें तब भी प्राइम नंबर है इफ यू टेक मैं आप कितनी तफसील में जाऊं आपको मैं ये सोच रहा हूं इस वक्त क्योंकि मैं मैथ्स का लेक्चर नहीं खोलना चाह रहा था अल्लाह ताला ने जिस तरीके से प्राइम नंबर प्राइम इज यूज बाई द कुरान विच इज द मोस्ट रिसेंट मैथमेटिक्स डिस्कवरी चौदाह और अब कहीं जाके हमें रुको क्या पता कुरान रहे है, है। पाक हम देख ही नहीं दे रहे मैथमेटिकाइम के थ्रू वी कैंड स्पॉट अगले हरूफ मुख्या कहाँ आए कुर के पूरे टेबल के ऊपर मेजर्ड है वो आपने बचपन में देखा होगा ना अल्लाह तीन टाइम्स

उसको अल्टीमेट मैथमेटिक्स गूगल कीजिएगा स्कूल में में मैं रहा बच्चों को चार साल में उनको एडवांस कराने के बाद हम अल्टीमेट मैथमेटिक्स मैथ... मैं आपको एक मिसाल देता हूँ आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से साहबा इक्राम ने ये मामला किया हर अब्दुल्ला बिन अबास बंदे ने कहा कि आपने कितना बड़ा क्लेम कर दिया कि कायनात का कोई भी सवाल ले आओ मैं कुरान से आशा कर देता हूँ तो ही सेट यस ये बड़ा क्लेम अब तो नहीं है सिंपल क्लेम ये तो अब्दुल्ला अब्बास ने का कुछ सवाल ले आओ तो उस बंदे ने कहा कि ओ अब्दुल्ला कुछ ऐसे वाकियात हैं जो कुरान पाक में नहीं आ सकते वो तो कुरने पाकलीशन के बाद भी तब वाकत होने

64th आयत सूरत कौन सी बनती है ही से तो अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा तो अल्लाह तो पहले ही बता रहे थे कि नबी का जाने का वक्त आ चुका है सो ही स्टेट फॉर सिक्सटी थ्री ईयर्स कुरान पाक ने बता दिया था सिक्सटी फोर्थ ईयर पे जुदाई जुदाई का वक्त आ गया तो ये रिवायत कहाँ पर तो छुटकी भी चाहिए ये भी स्क्रीन पे आ जाएगी आपके ठीक है तो अभी भी आप गूगल यहाँ भाए 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 मैं सिर्फ देखे, मैं नहीं हूं, याद प्राइम आउट किया गया है, अली बिनी तालिब से मानना पड़ेगा अली बिन नबी तालिब ने कुरान पाक देखे नबी इस्लाम के करीब कतरा भी नहीं अली नबी तालिब का ठीक है और बिन अबी तालिब का इल्म जो है वो प्रूवन है कि उसके मुकाबले में किसी का इल्म इल्म नहीं है उस इल्म के मुकाबले में हम लोग वो कतरे उठा रहे हैं कि जो अली के इल्म के। मैं इतना बड़ा रास्ता को रहा हूं। मैं बता रहा हूं अली को? मैंने के बोले। आप एक दफ़ा नाजल बलाका पढ़े आपके तोते ना उड़ जाएं कि किस एंगल अबी तालिब ने यह सारी मैथमेटिक्स के थ्रू हिसाब किताब आपको पता है पता ना आपको पता था So they okay, somebody has the guts to claim it, right? Yeah. You have to understand the the, the audacity of people then. I have to respect the audacity. I mean, Jabir Ibn Hayyan, his student is so claim. What I'm saying is, ये सारी mathematics मुसलमानों को अल्लाह ताला gift में दे रहे थे कुराने पाक के through. Algebra ऐसे नहीं आ रहा था किसी को खाब में नहीं algebra आया था मैं आपको बताऊं algebraic topology के through कुराने पाक ने किस तरीके से रीफॉर्मेशन तक बताइए मैं आपको मिसाल देता दे चलें अभी क्या तफ़ी मैं कहीं और चली जाएगी बात सिर्फ मैथमेटिक्स के ऊपर मैं सिर्फ एक छोटी सी डिस्कशन करना चाह रहा था कि आपको पता चले कि एक सौ चौदह सूरतें अल्लाह ताला ने किस तरीके से सूर्य फातिहा को इन एक सौ चौदह सूरतों की चाबी बताया हुआ है हम देखते ही नहीं फातिहा का वो मतलब देते हैं जो जो उर्दू में पाकिस्तान में मिलता है हालांकि फातिहा का जो अरबी का मतलब है जो लेना ज़रूरी है वो चाबी है मिफ्ता जी की इफ्ता इज टू ओपन ना अमर का सीखा इफ्ता ना कि खोल ठीक है अब वो चाबी को अगर आप साइड पे करें तो मैं मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं छप्पन नंबर आयत सूरत जो है सूरह हदीद है सूरह फातिहा को मिला लें तो सतावन बनती है सूरह फातिहा को निकाल दें तो छप्पन बनती है एफ ई का पीरियोडिक टेबल में क्या नंबर है छप्पन ठीक है इसके दो आइसोटोप तो है सूर्य फातह डालता हूँ तो दूसरा ऐसे तो वो, वो भी आयरन नहीं नाम क्या सूरत का सूर्य लो ठीक है मैं मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ यू नीड टू सी किस तरीके से सूर्य फातह को किस तरीके से एक सबी ने एक अब्दुल्ला बिन मसूद ने मोज को कहा था कि कुरान से अलग रखो ठीक है मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ और हमारे पास क्या होता है वो, ये हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ऐसी बातें नहीं कर सकते हमें ट्रेन नहीं किया गया कि सहाबी देख कैसे रहा था सारा का सारा मामला एंड आई साहबी किस तरीके से ये पूरी की पूरी मैथेमेटिक्स को समझते थे मैं फिर बता रहा हूँ, आवर गॉड इज़ ए मैथमेटिशियन हमें कभी भी नहीं बताया जाता कि अल्लाह कदर का लफ्ज नापने का तोलने का मेजर करने का ये सारा का सारा मामला कर्न पाक में अल्ल तक दिखा रहे हैं खुद अपने इर्शादात में अल्लाह तरन पाक की आयतों में नहीं हमने देखने भी नहीं कॉमन मैन के जन्म आते हैं कॉमन मैन में शामिल हूँ उसने कहा था like उर्दू में मैं में बात कर रहा हूँ एज ए वेस्ट मैन के एज अ जंक पर्सन के एक मेरा खौफ इमिडियता है कि जब हम ये रीडिंग इन टू नंबर जफर टाइप नहीं, नहीं, सर, एक, तो सर, 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 की नहीं मैं मैं एनर्जी की बात कर रहा हूँ जो एक, एक जनरल एनर्जी है इसकी जो एक जनरल वाइब है एक सुपरस्टिशन की तरफ धकेलती है इंसान को जो कि एक नेचुरल एक फील होता है कंजर्वेटिव रिलीजियस लोगों का या जनरली लोगों का दूसरे एंड पे स्पेक्ट्रम पे जो फियर आता है जो एक और ऑडियंस है इसको आप आइसोलेट करते हैं जब ये बातें करते हैं जो साइंस को एज अ प्राइमरी अपना फोकस मानते हैं या सो so कॉल्ड एक किस्म के सेकुलर माइंडेड लोग होते हैं उन्हें लगता है कि यू आर रीडिंग इन टू रिलीजन समथिंग दैट इज़ आउटसाइड ऑफ रिलीजन जो कि ह्यूमन सेकुलर एंडेवर है मटीरियल को पढ़ना और इसका फियर ये होता है फिर कि अगर इफ़ द साइंस मूव्स ऑन कोट एंड कोट जैसे कि हमें पता है कि वक्तन फ़र वक्ता ह्यूमन डिस्कवरी के तहत हमारा इल्म ग्रो करता है चेंज करता है डायरेक्शन तो ऐसे लगता है कि आप कुरान को या रिलीजस टेक्स्ट को डेट कर देंगे और उनको पैग कर देंगे यानी i know ki maths change नहीं करती, but humans की perception about mathematics physics okay, की cheez kaun constantly I change karti hai trying into getting oblivious as to what human beings would think about whatever i'm going to say kyunki main allah ki baat kar raha hu jo saari cheezein bata raha hu usko face value in statements ko dekhe agar they don't make sense challenge them improve me if they make sense don't put circles around it ki ye you know iske istemalat ke maine to aapko istemal nahi bataya मैं आपको ये बता रहा हूँ कुरान पाक को देखने के एंगल साहबा के थ्रू देखेंगे हम हम किसी और बुज़ुर्ग बबे के थ्रू नहीं देखेंगे हम साहबा के थ्रू नबी इस्लाम के थ्रू मैं आपको कुरान पाक की कुछ आयात फॉर एग्जाम्पल सूर्य काफ़ी को ले लें तो ये तकवीर को लेते हैं ओके लेट्स जंप इनटू तकवीर जस्ट बात वही है कितना टाइम हम दे सकते हैं सुर फातह सुर तकवीर सुर वाक़ सुर रहमान द बिगेस्ट मैथमेटिकल मेरिकल लोगों को कुरान पाक में लाना मेरा मकसद है क़ुरान पाक के थ्रू दुनिया को बताना कि भाई ये सारे की सारी ये जो माजरा है ना ये हम किसी और और बड़े स्कोप के ऊपर देख रहे हैं मैं अभी हदीस की बात नहीं कर रहा हूँ कुरान की बात कर रहा कि कोई सही है और और, और, और यू नो और ज़ीफ़ हदीस की ऊपर बात ना हो मगर जब आप मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ जब असाब काफ़ को आप देखेंगे में, तो खौफ से उल्टे पैर भाग जाएंगे सोए तो हुए बंदे को आप क्यों देख के उल्टे पैर भागेंगे सोचने वाली बात नहीं है सूर्य लुकमान में हजरत लुकमान की सारी बातें अल्लाह ताला ने बताई क्या उसके अलावा उन्होंने बेटे से बात नहीं की थी की थी ना मगर वो वाली बातें आई जो कि रेलिवेंट थी हमारे से कुरान पाक में एक एक चीज हमारी सोच के लिए मैंने आपको क्यों कहा के तफक्कर तदब्बर के अहकाम है अल्लाह ने बोले में और फिर भी कहते हैं अकिल में फिर भी तुम अकल नहीं लाओगे मुतर हाथ नहीं ये अल्लाह ताला ने कहा है खोज लगाओ अगर एक ले मैन के लिए जो कि जिसका हक हाँ है हक हाँ तक आना आम बंदा जो तो रेड़ी वाला है उसका हक हाँ है कि उसको हक हाँ पहुँचाया जाए तो अल्लाह ताला पचास लाख सफ़ों की कुरान भी नाजिल करते ना तब भी वो वाले इल्म का नहीं हो सकता था कि ठीक है कि जो अल्लाह के पास पचास लाख का क्या बात करनी मैंने जो भी इंसानों को अल्लाह ताला ने इंसानों के लेवल पे इल्म देना था ये साफ़ समझ आ रही है कि अल्लाह ताला ने जो मैथडोलॉजी रखी है साफ समझ आ रही है इसलिए रॉकेट साइंस में भी समझाता हूँ कि अल्लाह ताला ने ये 114 सौ सूरतें ये 6000 हज़ार प्लस आयतें इसको कंडेंस करके इसलिए दिया कि यही इम्तहान है बेटा अब इसके अंदर से खोज लगा तफक्कर सोच अकल लड़ा और अल्लाह ताला ने कहा उनसे जाके पूछ लो कि जो इल्म रखते हैं उनसे जाके पूछो जो ईमान रखते नहीं है जब अल्लाह ताला निशानियां बताते हैं तो लिटरली दावत देते हैं कि उलूम वाले तो फिर भी हैं ना मैं आपको ये तो आयत है जो मैंने आपको सुनाई है सूर्य काफ के अंदर अल्लाह ताला ने कहा कि इनमें से कुछ लोग हैं जो जानते हैं कि असाब काफ कितने थे हाउ डिड दे नो सोचे अल्लाह कह रहे ना या तो ना मैं आपको कोई रिवायत सुना रहा हूं अल्लाह ने कुरान की आयत ने बता दिया कि इनमें से कुछ लोग हैं जिनको पता है क्या उनको कैसे पता है हाउ दे नो कुरान तो अभी बता रहा है हमें किस असाब का थे या इतने थे इतने थे ये आपस में बहस करते रहते हैं हालांकि हवाई तीर ही चला अल्लाह खुद बताया कुरान पाक में हवा में तीर चला रहे हैं मगर कुछ लोग हैं जो जानते हैं कितने so, अल्लाह तला ने यहाँ पे रेकग्नेशन दी है कि कुछ लोग अपनी अपनी प्रोजेक्टरी से जहां जहाँ हासिल कर रहे हैं जो कुछ जैसे फिजिक्स वाला बंदा खुद ही खोज लगा रहा है ना बिल्कुल इसी तरीके से आपको ये देखना है कि अल्लाह तुरन पाक में इल्म वालों की तरफ राउट किया इल, इल्म की रिकग्निशन दी कि भाई ह्यूमन बींगक्चर डेम सेल्स इन टू मोर कॉम्पिटेंस थ्रू देर ओन एंडेवर्स जो भी वो करेंगे जिस तरीके से भी वो इल्म हासिल करेंगे फिजिक्स वाला बायोलॉजी वाला अगर ये मामला ना ऐसे होता जैसे कि आप कह रहे हैं ना जिसने जो आपने सवाल किया उसके ऊपर मैं वापस आता हूँ जो असली हार्ट ऑफ क्वेश्चन है तो फिर तो ख्वारी का एल्जबरा उठा के जमीन पर फेंकते हैं उसने टुकड़ान पाक से एल्जबरा लिया है और एल्जबरा का इस्तेमाल जीरो करने पड़ेंगे हमें

कुरान पाक ने कहीं पे मना किया हो तो वो केस आपका आर्ग्यूमेंट में ले सकता हूँ hmm. वरना ये सब की सब तोाहम इन्हीं को तोड़ने के लिए मेरा नबी आया था मेरे साहबा ने सब कुछ बता दिया रसुल्ला की उम्मत किसी गलत बात पर नहीं करेगी राइट ये हमारा तस्वुर है वाई इज इट के मेन स्ट्रीम ठीक है हमारा जवाल का पीरियड चल रहा है डेढ़ दो सौ साल से एंड कैन बी एट्रीब्यूटेड टू दिस बट हमारी मेन स्ट्रीम इस कोर्ट एंड कोर्ट नॉलेज को जो, जो आप कहते हैं ऑर्थोडॉक्स है

बेस्ट सिनेरियो की बात है अब मैं जब कहता ना इस्लाम का निज़ाम लाना जरूरी है तो उम्मत का जमा इसी पे है कोई भी नहीं कहता इस्लाम का निजाम नहीं लाना ठीक है लोग कहते हैं तबलीग के थ्रू आओ के नफ्स के थ्रू दावत दो कॉमन मैन के बिल्ड अप अप बॉटम अप्रोच करो एंड में क्या होगा एंड में निजाम आ जाएगा ठीक है।, है कोई बात नहीं सब मुसलमान हो जाएगा निजाम आ जाएगा इजमा आप समझ रहे हैं आपको इजमा किस लिए हदीस का कॉन्टेक्स्ट क्या है सितारों की तरफ देख आसमान की तरफ देख अल्लाह के निशाने देख क्या आसमान में कोई सुराख नजर आ रहा है ठीक है वो सोचें तो सही कि ये इस पे उम्मत का कोई इजमा है कि नहीं आसमान की तरफ नहीं देखना या ढूंढ इट इट सीम्स सीम्स ऑलमोस्ट लाइक लाइक बाय द वे के मुसलमानों ने और उलमा ने कर लिया कि मटीरियलूम जो है वो इस्लाम से बाहर हैं

इस्लाम को और ये रिसेंट डेवलपमेंट क्यों हुआ वो भी बता रहा हूँ आपको कि आप अपना तजकिया करो तजगी में तो फिजिक्स केमिस्ट्री बहलॉजी एस्ट्रोनॉमी तदब्बर और तफक्र तजकिया तफक्कर तदब्बर के लिए नहीं है तजकिया अपने मामलों ठीक करने के लिए है। अपना रूहानी क्लेंजिंग के लिए और एट बेस्ट के सन्रियो अल्लाह त बारे में सोचो तफक्र करो मैं आपको फिर बता दाऊँ हम चाँद के फटने के मानने वाली कौम है इस पे नहीं करना है। नहीं, आपको मिसाल देता हूँ पोर्टल खोलता हूँ ना आपके सामने अभी खोल लेता पोर्टल आपको पता चल जाएगा ओपन द पोर्टल छोड़ो इनशा सोचने वाले दिमाग के लिए जर्मनी में गूगल कर लीजिएगा डेट बेज़ल में हुआ था वाक्य और स्वीडन में हुआ था मुझे डेट नहीं याद हजारों लोगों ने कहा एक ने नहीं कहा टेस्ट नहीं पढ़ी हुई बीसी का कोई वाक्य नहीं है स्काई ओपनिंग द स्का ओपनिंग डोर ओपनिंग जर्मनी में मुसलमानों ने नहीं देखा मुसलमानों ने कहा देखा अभी बताता हूँ ये वाकई मैंने जर्नी से क्यों स्टार्ट किया ताकि वो बंदा जिसकी नस कुछ ज़्यादा ही फटकती है ना पोर्टल का लफ्ज़ सुन के और उसको अपने अकीदे हिलते में नजर आते हैं उसको मैं सेटिसफाई कर दूँ जर्मनी में और स्वीडन में ब्रेजिल में तो हुआ है चलें जहाँ पे भी दूसरा भी शहर है हजारों लोगों ने दो अलग अलग चीज़ें देखी क्या देखा एक ने देखा दो तीन किस्म की मखलूक आपस में लड़ रही हैं दरवाजे के उस तरफ ठीक है गूगल कर लीजिएगा टेस्ट मनी मिल जाएंगे मेरी उस पर बिलीफ है नहीं मेरी कोई बिलीफ नहीं है क्या होक्स है नहीं होक्स तो नहीं है ठीक है दूसरे ने, लोगों ने क्या देखा एक दिन का वाक्य नहीं हो रहा अलग अलग वाक्य बता अगले अब बताता हूँ बेजल में सुनिएगा बेजल में क्या देखा उन्होंने देखा वी सॉ पर्पल फ्लावर्स ओके और द मोस्ट ब्यूटिफुल एनचैंटिंग वर्ल्ड विथ पर्पल फ्लावर्स हैं आसमान में दरवाजे खुल गए ठीक है सूर नबा याद आई सूर नबा में अल्लाह ताला तक ना आसमान दरवाजे दरवाजे हो जाएगा कुरान तो पाक ने जब बताया नहीं वो तो क्या वाले दिन क्या होगा तो क्या वाल दिन क्या होगा दरवाजे नहीं खुलेंगे आ, वो तो क्या दिन होगा उस दिन क्या नई फिजिक्स होगी ये वाली फिजिक्स नहीं होगी कोई नई यूनिवर्स है अभी आपको पोर्टल दिखाता हूँ फिक्र नहीं करेंगे तसल्ली हो जाएगी पोर्टल कैसे खुलती है ये पेपर मैं आपको देता हूँ इस पेपर और इस थेट्रिकल तो तो फिजिसिस्ट का नाम भी बता देता हूँ स्क्रीन पर आ जाएगा आपके आप लगा दीजिएगा मैं आपको बताता हूँ उस भाई साहब ने अब ये ये भी कोई कुक नहीं है इज द मोस्ट ऑथेंटिक अनचैलेंज्ड अनडिस्प्यूटेड पेपर अभी तक चल रहा है ठीक है उसने कहा अब मैं पेपर में पढ़ लीजिएगा मैं आई डोंट मिस कोट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ जूल्स बट ही सेड एक्स जो भी उसका नंबर है वो बताता हूँ इतने जूल्स की नजीद दो तो पोर्टल खुल जाएगा ठीक है अब ये मेरा नहीं ये एक असली फिजिस्ट की बात है कोई कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट नहीं है थियोरेटिकल फिजिस्ट और प्रोफेसर स्टैनफर्ड का स्टैनफर्ड का पी एच में ही पढ़ाता है उसने पेपर लिखा है अभी तक चैलेंज नहीं हुआ विच इज ओके उसके अलावा भी लोगों ने लिखे मगर मैंने आपको इसलिए बोला जिसको बहुत ज्यादा मसला है ना उसको मैं बता दूं मेरी गारमेंट मुझे बता रही है कि रिलैक्स करें इट्स टाइम टू रिलैक्स कॉन्वर्सेशन <laughs> तो <तु> <laughs> इस तरफ जा रही है मैं बहुत ज्यादा साइक आउट आ रहा हूँ हो रहा हूँ इस बात अभी 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 आएगा

ने किस तरीके से सही हदीस के अंदर सही स्क्रीन पे आ जाएगी आपके डॉक्यूमेंट चैनल्स खोल रही है और सुने पॉज करूं ताकि तो आपकी टेंशन रहे ये जो रेफरेंस मांगना होता है ना लिटरली जहाँ पे मेरी ट्रेनिंग हुई हुई है कि दो वजह से आप रेफरेंस मांगते हैं किसी से एक आपके पास उससे भी ज़्यादा केस होता है विद रेफरेंस तब स्पीकिंग, आप अगले से रेफरेंस नहीं मांग सकते मैं अगर आपको कुरान की भी आयत सुनाऊं और नउज बिल्ला झूठी हो मगर आपको कुरान नहीं आता तो आपको मानना पड़ेगा मैंने कुरान का नाम लगा दिया कह रहे हैं भाई है। So, मैंने आज थर्ड कंडीशन आप इतने आपकी ट्रेन कर रहा हूं मैं जहां पे ट्रेन हूं उस्ताद मतन बताता है स्टूडेंट रेफरेंस निकालते होते हैं और लोग आप उस्ताद से रेफरेंस मांगते हैं कि सर रेफरेंस दें हालांकि स्टूडेंट का काम होता है रेफरेंसिंग निकालना कि अच्छा किधर किधर मतन तो मिल सबसे पहली ऑब्जेक्शन पता क्या आती है जो असूल है पाकिस्तान में मैंने तो नहीं सुनी रेफरेंस नहीं आपने नहीं सुनी असूल तो नहीं है ना अमान ने हदीस नहीं सुनी भी, कहीं पर क्या सही मुस्लिम के नीचे

टोटल हंड्रेड परसेंट हदीस नहीं और अगर आप कहें नहीं है तो आप पता कहेंगे ये दीश नहीं है आप अपनी हदीस का रेफरेंस दें क्योंकि मेरे पास इसकी उलट रेफरेंस्ड प्रूफ ये है लेकिन उसका एक थर्ड थर्ड केस बन सकता है, वो मैं भी, curiosity सकता है भी तो एक केस हो होता है एक और केस भी बन सकता है फॉर एग्जांपल अगर

अब बेजल से निकालते हैं आपको एग्जैक्ट अरेबिया चलते हैं चौदह सौ साल पहले मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज खसूब पढ़े या खुशूब पढ़े दोनों मुझे मिक्स कर रहा हूं। या चाँद ग्रहण था या सूरज ग्रहण था ओके okay. और सुनेट की बात को और अब देखें हो क्या रहा है जैसे ही सूरज ग्रहण लगा नबी नबीलाम ने नमाज शुरू की और साहबा ने देखा कि नबी सलाम ने एक कदम आगे बढ़ाया नमाज के दौरान के क्या, कि क्या तुमने देखा था मैंने कहा लोहे खुजाई दिखाया गया अमरबुल जिसने काबे में पहला बुत लाया था रोमांस के परस्पेक्टिव से सो रोमटिक लड़की वाला रोमांस नहीं

And then I was see, shown, is opening, जन्नत का एक है उसमें फल लगे हुए हैं और वो फल इतने करीब थे मेरे कि मैंने सोचा कि मैं इसको पकड़ लूँगा फिर मैंने छोड़ दिया कि अब वो पूरी तफसील में डिस्क्रिप्शन भी है मुस्लिम अब क्या हमें बताया गया कि नबी इस्लाम है तो नबी इस्लाम के ऊपर तो ये वाला मामला तो मैं में भी खुल गए थे

कि लाइट तो ठीक है फोटोन पहुंच जाता है मिनट में इधर प्लाज्मा कैसे पहुंच रहा है प्लाज्मा तो आठ मिनट में नहीं पहुंचना चाहिए बट आप नोट करेंगे इस रवायत में भी और दो और इसमें एक में रसूल रसुल्ला एक जिन पकड़ने लगते हैं फिर मना कर देते हैं कि मैंने नहीं पकड़ा के सलिमान की मेरे भाई की

और लोगों ने देखा के सहबी के घर अभी अच्छा लोगों को नहीं पता सुबह पड़ी जा रही है लोगों ने देखा के और नबी सलाम को बताया आके कि हमने देखा बादल जमीन पे आ गया। स्क्रीन पे आ आ गया स्क्रीन जानी चाहिए प्लीज आ जाएगी इंशाल्लाह बादल जमीन पे आया और घोड़े को कंट्रोल नहीं रहा क्योंकि वाकया बहुत एक्सट्री नहीं के बादल बादल देख के घोड़ा नहीं घबराता होता मेक श्योर मरी में सारे घोड़े इधर उधर भाग जाते वरना ओके बादल जमीन पे आया और घोड़ा ही शुरू हो गया और ये इतना था कि अल्लाह के नबीम को रिपोर्ट हुआ कि यह सूर्य कहा रहा था और वह सकीना सकीना है याद रखिएगा आप पाकिस्तान में क्या मतलब है इतमान है, सक, है ये जी सुकून बादल जमीन पे आने वाला सकीना और है जमे इतमान आता है तसली हो रही कि हम अल्लाह का काम करें कुरान पढ़ें, वो सकीना और है, है समझें इस बात को यही मसाइल हैं जो मैं हल करने की कोशिश कर रहा हूं दिमागों के अंदर जमीन पर आना छोटा वाक्य बता दें तो oh, अब का को पढ़ने से बादल जमीन पर आता है और उसका इंसान जानवर भी फील कर रहे होते हैं Something else is going on here. मैंने ना ऑनलाइन आपके इसकी एक एब्रेशन और एक्सप्लेशन देखी थी इस पॉइंट पर ना आपसे क्वेश्चन यह किया गया था कि आमतौर पर हम इन चीज़ों को उस तरह से क्यों नहीं रिसीव करते जिस तरह आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आपने इसके जवाब में कहा था द वेरी साइकोलॉजी एफ अस्ट नॉट एक्सेप्टिंग पोर्टल एज एन इस्लामिक कॉन्सेप्ट एंड वी एक्सेप्ट इट एज अटिफिक कॉन्सेप्ट तो मैं ये जानना चाह रहा था कि इस्लामिक कॉन्सेप्ट या साइंटिफिक कॉन्सेप्ट क्या डिफरेंट है या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिफरेंट कर दिए गई यही तो मसला है हमारे साथ देखें मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि कुरान इज़ अ बुक ऑफ एस्ट्रोनॉमी एज मच एज एनी अदर बुक बट डीपर बिकॉज देखें डॉक्टर जो है ना डॉक्टर वो बायलॉजिस्ट नहीं होता वो बायलॉजिस्ट का मरून मिन्नत होता है बायलॉजिस्ट ने काम कर दिया होता है सोर्सिंग उसने दी होती है उसके बाद इंजीनियर आते हैं वो मशीनें बनाते हैं उसी के ऊपर डॉक्टर आके ट्रेन होता है और वो मशीनें इस्तेमाल करके और करता तरीके so तो से कुरान को देखने है। कुरान को जब मैं की बुक कहता हूँ तो वो नासा ना देन में आया आपके हम सोर्स ऑफ एस्ट्रॉनॉमी दे रहे हैं आपसे कहा ना एक नासा का साइंटिस्ट किस दिन बोले ना वी सीन थ्रू ब्लैक होल सीन वॉर वॉर्ड तो so, उस भाई साहब को टोटली totally डिफरेंट करने पड़ेंगे कि वो पानी और उसके गिर लाइट पुरानी सारी थ्योरी सिंपल टेस्ट कुरान पाक इस पूरे के पूरे कैनवस को सेवन टाइम्स एक्सपेंड कर एटलीस्ट क्योंकि हर आसमान

तो दूसरे आसमान आसमान में पहले ये ये फर्क है। आपने इसकी वो आ, मैं सुन रहा था तो आपने उसमें इस तरह से इसको मल्टी यूनिवर्स जहाँ आपने, आपने सात आसमान वर्टिकल एक्सेस पे और हॉरेजॉन्टल गालिबनसूर मुल्क में जिक्र है आ, पारल। जमीन। पारल। 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 तो इसका मतलब ये बनता है कि

सर मेरा ज़्यादा इतना पॉइंटेड सवाल नहीं सर जरा के ज़्यादा पॉइंटेड सवाल हैं वो ज़्यादा रिलीजियसली इंक्लाइंड uh, है और मेरे जेनेरिक सवाल हैं कि डर नहीं लगता कि हम जब आप रीड इन टू कर रहे हैं कि यार ये वाली आयत इस तरह से यूनिवर्स की बात कर रही है ये वाली आयत इस तरह से कर रही है, नहीं। उसके क्या -क्या नहीं है तो यहाँ, यहाँ पर दो दो, दो प्रॉब्लम मेरी आती है एक के वाई डू हैसेप्ट साहिल क्यों हमें क्यों हमें मानना पड़ेगा एक्स या वाई या, या जी आयत के बारे में नंबर एक के वही वो, वो वाहन है जो कि इस वक्त अप्लाई कर रही है और नंबर दो एक खौफ होता है कि अब साइंस की इल्म कटिंग एज में भी मैं कहता हूँ कटिंग एज ऑफ साइंस में भी आप अगर बात करते हैं तो अभी वो यहाँ पे है अगर वो लेफ़्ट या राइट right हो जाता है अपनी फाइंडिंग्स के अंदर तो उस आयत की जब आपने इनिशियल इंटरप्रटेशन दे दी थी एट टाइम टी

अल्लाह तला ने सूरह लुकमान में हज़रत लुकमान का डायलॉग बताया अपने बेटे के साथ पूरा उसके अलावा भी बातचीत थी वो नहीं रिकॉर्ड की उन्होंने कहा ये तुम्हारे लिए रेलिवेंट है तो काफ ये तीन या तीन से ज्यादा ही थे ये तो पक्की बात है क्योंकि दो का अलग सीधा होता है और दो से ज्यादा का अलग सीधा होता है तो तीन या तीन से ज्यादा क्या पता सात ग्यारह दो भी हैं लेकिन हमारी बहस नहीं मना है मना इस्लाम में तो आप क्या समझ रहे हैं उन्होंने सिर्फ एक सवाल किया था कि कितनी देर सोए हो उन्होंने और भी बातें की थी अल्लाह तला ने जान के वो अल्लाह तला हर चीज दिजा, बाई डिजाइन करते हैं कि हमें वो बताएं कि इन्होंने ये बात की है सोचें जरा इसमें ज्यादा फफक्कर की जरूरत नहीं है कि छह बंदे उठे गार में और हमने पूछा कितनी देर सोए और आपने कहा दिन या आधा दिन ही सोए मतलब ज़्यादा देर तो नहीं सोए हम ऐसे ही बोलते ना ज्यादा देर तो नहीं सोए ये वाला डायलॉग कहीं पर भी इंपॉर्टेंस नहीं रखता इंपॉर्टेंस पता क्या रखते हैं जिस वर्जन ऑफ इस्लामिक साइकोलॉजी में हम हैं कि क्या हम बादशाह पर ईमान लाएं और अगला बोले नहीं बादशाह पर ईमान नहीं लाना ये हमारी करंट इस्लामिक साइकोलॉजी के लिए मोस्ट रेलिवेंट डायलॉग है मगर अल्लाह ताला हमें क्या डायलॉग बता रहे हैं उनका ये हुआ था नहीं हुआ था ये नहीं मैं कह रहा हूं जो हुए हैं उनमें से और भी बड़ी बातें हुई हैं खाना लाने की भी तो बात हुई है ना मदीना जाके खाना लेके आओ शहर जाके इज अनदर डिस्कशन फॉर सम अदर डे के कितनी देर सोए हो ये सबसे इंपॉर्टेंट जुमला नहीं होता छह बंदे उठते हैं तो स्पेशली उन हालात में इस जुमले की इंपॉर्टेंस सिर्फ कुरान बता रहा है हमें अगर मैं उस्मानी टैक्स के ऊपर का बनाया हुआ जो इस वक्त टेक्स्ट है एक अल्फाबेट भी निकालता हूं ना मैथमेटिक्स का प्रिज्म है यहां पे पूरे पूरे जुमले हैं यहाँ पे ये कितनी देर सोए अगले ने कहा कि एक पहर या उससे भी कम कुछ पहर या उससे भी कम एक रात या उससे, उससे भी कम ऐसे करके ठीक है मैं मावड़े बता रहा हूं ताकि आपको पता चले कि ये डायलॉग इतना कोई पिबिटल डायलॉग नहीं चाहिए बंदे उठने का ये हमारे लिए पिबिटल बनता है क्योंकि अल्लाह ताला कह रहे हैं इनके साथ जो वाक निशानी है आए थे मेरी अल्लाह की निशानी क्या हुआ है अला अजानी इनके कानों पर एक स्ट्राइक की गई है कानों पे स्ट्राइक का क्या मतलब है पाकिस्तान में थप्पड़ मारे गए हैं कानों पे स्ट्राइक का सबसे आसान सिंपल मतलब है कि कोई साउंड निकली है जो कि उस जगह पे जो सबको यकमुश्त अचानक नींद के अंदर ले जाती है किसी ऑल्टर्ड तो, स्टेट के अंदर वो मैं नहीं नहीं यहां पे तो मैं कन्वेंशनल मतलब आपको बता रहा हूं कि सबसे आसान मतलब यह ऑल्टर स्टेट इज नॉट सिंपलेस्ट मीनिंग कि कानों के ऊपर स्ट्राइक करना है किसी को आवाज़ सुनाए जाए मैं खुद ये लेक्चर अटेंड कर चुका हूँ पाकिस्तान में कि 11 फरिश्ते आए थे सब के सब ने इकट्ठे थप्पड़ मारा है 11 साबे काफ को ताकि वो दराबना अला आजान इनका मतलब निकाल सके थे कि कानों के ऊपर स्ट्राइक करने का मतलब थप्पड़ मारना होता है तो सोचें तो इस तरह तो ना करें ना नहीं वैसे कुछ एक हदीस में मिलता भी तो है ऐसे क्या कि आप सब नहीं स्पेसिफिकली इसके बारे में नहीं एक और रिवायत है कि जब आप जवान थे और काबा की कंस्ट्रक्शन हो रही थी जी वो मुझे ग्यारह बंदों की या तीन बंदों से ज्यादा की बात कर रहा हूँ इस वक्त तो, देखे मैं रिवायत को बयान भी करता हूँ बट ही

Actually, those people have left. आप यहां पे भी कर रहे हैं 11 नहीं, नहीं, नहीं इस, इस, इस है है? तो बंदे तीन बंदे जो भी है मैं 11 महावर्तन क्या रहता हूँ असल में कितने अल्लाह ने खुद ही नहीं बताया मैं इसलिए बताता हूं क्योंकि तीन प्लस बंदे थे वो बंदे जब 300 कुछ साल बाद उठे हैं तो सबसे पहले ये नहीं कहा कि तुझे क्या हो गया बाल तेरे जमीन तक गिर रहे हैं नाखून तेरे इतने बड़े हुए हैं mm. उन्होंने कहा कितने सो आधा दिन आधी रात बस ये तीन सौ साल बाद ये वाला जुमला बोलना टाइम को स्टेग्नेट करता है इधर इट इज नॉट बैक टू द फ्यूचर टाइम ट्रेवल इट इज सिंपल ट्रैवल थ्रू टाइम के एक बंदे को प्रिजर्व कर लिएगा के अंदर इसको एक्स्ट्रॉडनरी ये काम नहीं होता इसमें सबसे एक्स्ट्रॉडनरी फीचर ये नहीं है मेरे लिए मुझ जैसे दिमाग के लिए कि 300 साल के लिए वो सोए हुए सबसे एक्स्ट्रॉर्डनरी फीचर है कि इनको देखता तो खौफ से भाग जाता सोए हुए बंदों को देख के आप खौफ से नहीं भागते जागे हुए बंदे घर में हों तब भी शायद डर लगता है घर में करवटे ले रहे थे लोग फ्रिशते हैं उनको करवट सोया हुआ बंदा दुनिया में हर बंदा सोए के करवट लेता है उससे आप डरते नहीं जब किसी को ना डराना हो तो आप उसके सामने सो जाए आप इतने मर्जी बड़े खौफनाक पहलवान हो जो मर्जी शक्ल हो जो मर्जी जिस्म हो अगर आप उसके सामने सो जाएं, तो दुनिया में कोई भी मुदास डरेगा तो इसकी क्या एलैब्रेशन होगी फॉर इंस्टेंस यहाँ आप क्या सजेस्ट uh, करना चाह रहे हैं

अभी हमने ब्रेक लेनी है मैं क्वेश्चन कर नहीं आई आई वी कीप गोइंग बिकॉज़ ऑनेस्टली जो हम टॉपिक okay, के ऊपर आए हैं डिडंट वांट टू जब आप सूरह कहफ का सेटिंग uh, देते हैं और सूरह कहफ के अंदर आप uh, लोगों को एक्सप्लेन करते हैं गाइड करते हैं कि पोर्टल्स किस तरह से होते हैं आप उससे पहले हमेशा सेटिंग देते हैं और अक्सर स्ट्रेस करते हैं कि इससे पहले सूरह बने इसराल के अंदर वाक मिराज को वाक इसरा को पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है और आप उसको इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि ये वाक मिराज एक पोर्टल है जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं या मेरी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी में चले जाएंगे लाइक इस तरह की बातें ग्रेप वाइम के थ्रू मुझे यही समझ आई क्वेश्चन मेरा ये कहता है कि अगर ये बात तब सच होगी तो ये आज भी सच है तो आज हम क्यों नहीं एक्सेस उम्मत का कोई तो सेगमेंट होगा जो इन चीज़ों को एक्सेस कर सकता और है, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा और भी रैपअप करना चाहूँगा इस तरह से करना चाहूंगा कि सूरह कहफ और एक तो ये पोर्टल्स का बेस नॉलेज क्या है अगेन एज अ लेमैन एक मोटी मोटी एक्ो आती है लेकिन एक फ़ाइनर कॉन्सेप्ट या फाइनर आइडिया नहीं है दूसरा ये इस किस तरह से हमें हेल्प करता है इस तरह से प्रसिव करना या अंडरस्टैंड करना सूरह कहफ को एज अ टूल अगेंस्ट द फितना ऑफ द जाल Yeah, if i perceive surah kahf in such a way, if i understand surah kahf in such a way, how will that facilitate तो my तो एक, uh, setting your landscape your way? there is a portal or interdimensional travel or intergalactic travel. so basically concept of bithana is very easily. take your eschatology. eschatology is the study of end of times. दौर दो के अंदर उसके इस्तेमाल और फ़ायदे देखें कि अगर मैं आ, मैं आपको कुरान से मिसाल दे रहा था ना ताकि आपको पता चले कि अल्लाह ताला ने तताया है हजरत खजर की जब बात हुई तो अल्लाह ताला, ताला ने वो अलकाब नहीं दी है खजर को वो वाला एंगल नहीं रखा खजर के बारे में उनके इल्म के बारे में जो कि एंगल अल्लाह ताली ने हजरत सलमान के दरबार की सेटिंग के बीच में इफरीत जिन और एक इंसान जिसको अल्लाह ने कहा हजरत खिज़र को क्या कहा कि मैंने इसको खुद इल्म दिया हुआ है हमारी तरफ से डायरेक्ट इल्म आ रहा है इल्मनी के ये मेरी तरफ़ से दिया गया इल्म। ठीक है और सलमान के दरबार में उस बंदे के बारे में अल्लाह ताला ने कहा इसके पास इल्मुल किताब है किताब का इल्म है इसके पास और समझें ये दो अलग अलग बातें वाक़ हो रहे हैं हजरत ख़ज़र उस जगह, okay? उस जगह पे पाए जाते हैं जहां से मूसा एक खास टनल के थ्रू गुजरते हैं ओके? वो टनल क्या है खुद कुरान पाक ने बताया मैंने नहीं बताया कि एक मरी हुई मछली उस जगह पे जिंदा होती है पानी में एक सुराख बनता है ठीक है मैंने मैंने पोटर कलर नहीं यूज किया, पाक बता रहा हूँ हुई मछली जिंदा होती है और सुराख बनता है पानी में और वो पानी के अंदर से गुजर जाती है जिधर भी हो जाती है तो मूसा और यश्यू उस सुराख में वापस एंटर वापिस दो इंसान एंटर हो रहे हैं उसमें तो वो इतना मत सुराख जिसमें मछली गई है अब ये दोनों इंसान एंटर होते हैं और उस सुराख के उस तरफ सूराबा का लफ्ज है टनल टनल बन जाती है पानी में और उधर से एंटर होते हैं और आगे मिलते हैं अब मैंने तो यह लफ्ज पोर्टल नहीं बोला ना मैंने तो सूराबा ही बोला है और उसमें से दो इंसान भी गुजारने हैं आपने तो आपने इतना सा मछली जितना शराख तो नहीं करना पानी में ठीक है और जहां पे वो मछली का वाक्य हुआ है मूसा कहते हैं उसी जगह को तो ढूंढते हुए आए हम ठीक नहीं, नहीं, है अभी नहीं थैंक्स पानी थैंक्स अभी गौर से समझने वाली बात यह है मैंने फजर को दूसरे बंदे के साथ कंपेरिजन में क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ आम मुसलमान आज तक ये क्यों नहीं इसने सवाल किया कि इस कमरे से भी बड़ा तख्त

एक कमरे में दरबार में ये बात हो रही है और जिन कह रहे लिटरली जिन कह रहे हैं सवाल नंबर एक होना चाहिए मुसलमानों हो का कि सर हम इस दीन को मानते हैं तो उसके बाद पीछे हमें ऑब्जेक्शन और स्केप्टिसिज्म कहां से आता है जिन सामने ही खड़े होते हैं हमने क्या रखा सलमान के पास तो ताकत थी सलमान के पास ताकत थी उस बंदे के पास तो नहीं थी वो तो नबी नहीं है उसको कैसे नजर आया जिन ये सवाल क्यों नहीं हमारे जहन में आ रहे कि पूरे दरबारियों को फ्रीत नजर आ रहा है डायलॉग चल रहा है आपस में कॉम्पिटिशनिएशन हो रही है सलमान के पास तो ताकत है उन भाई तमामों अफरा के पास नबी ताकतें आई हुई इसका मतलब है वी हैव टू चेंज द वे वी लुक एट ऑल ऑफ थिंग दाऊद अलैहिस्सलाम को नाउजिल्ला पाकिस्तानी उलमा के नाम ने और भी बड़े लोग हैं सुर का गिफ्ट दिया हुआ सुर का साउंड बोलते हुए पता नहीं क्यों मसला हो रहा है इनको साथ ही पता है कि वो लोहा हाथ में पिघला लेते हैं साउंड और लोहा पिघलाना आप कॉमन सेंस की बातें कर रहा हूं मैं मैं कोई अजीबोगरीब गरीब किस्म के कड़ियां तो नहीं मिला रहा हूं आप हमें नहीं पता साउंड के थ्रू आप लोहा कैसे नम कर सकते हैं ल, 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 फिनिश। अब सबसे पहला सवाल मुसलमान को होना चाहिए था एक बिल्डिंग उठा के एक बंदा ला रहा है जिन कह रहा है कि अरे सलमान के आप बैठे हुए हैं खड़े होंगे जितनी देर लगती है खड़े होने में उतनी देर में तख्त पहुंच जाएगा यमन से तख्त आना है यमन से जरूसलम तख्त आना है और वो भी मैं यमन बेनिफिट ऑफ द डाउट दे रहा हूं वरना इथियोपिया से, से आना जी ठीक है बेनिफिट ऑफ द डाउट इसलिए दे रहा हूं कि यमन और इथियोपिया एक ही मुल्क था उस वक्त अब ये बात ना सिर्फ इंसान सुन रहा है बल्कि टॉप अप कर रहा है इसको कि जिन है हालांकि पावर का सेंटर जिनों की पावर का है है ठीक है? और वो छोटा मसला नहीं उसने उसने भी यही बात कि आप खड़े होंगे आ तो, जाएगा और आदमी क्या कह रहा है इंसान जो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बताया इसके बाद हमने किताब का इल्म दिया हुआ इसको ठीक है और अब गौर इसका क्लाइमेक्स सुनना है ताकि आपको पता चले नफियात में फर्क क्या होता है इंसान ने कहा कि ये तो भाई साहब तो स्लो है आप पलक झपकेंगे उससे पहले आएगा आप ये दोनों ने टाइम बताया है ये शायरी नहीं हो रही दोनों की कि उसकी जुल्फे काली ज्यादा तो उसकी जुल्फे काली ज्यादा नहीं 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 टाइम बताया कि इसको इतना टाइम लगेगा और मुझे इतना टाइम लगेगा कि आप पलक झपकेंगे तो और आगे से फरीद क्या आता है कि नहीं ये मेरे से नहीं हो सकता कैसे कैसे

चले आता है पलक से पहले या तो ना खाली डायलॉग हो ये तो असल में तख्त आ गया अब तीन सवाल मोटे मोटे बनते हैं जिस भी क्लीन शेवन हो या, वाले हो। हो या नो, कहीं मंगना डाल रहे हैं। हो लिबरल हो एनी साइंटिस्ट और नॉन साइंटिस्ट एनी मुस्लिम जो कहता हूं मुसलमान हो उसको सबसे पहले से पहले, से पहले तो इस, इस आयत के ऊपर आ जाना चाहिए ना कि भाई छोड़ो पोर्टल्स दीम साहब पोर्टल खोल रहे हैं अल्लाह ताला ने कुरान पाक में उसका बताया है कि इसके पास किताब का इल्म है ठीक है और जब यह बात आएगी तो आगे से पता क्या जवाब आएगा आगे से ने कहा है ना कि सरत सताब का इम नहीं तो हाजम हाजमिन रबी सलमान ने कहा है आयत आयती है मगर वो आयत ही है जिसमें अल्लाह ताला ने कहा इसके पास किताब का इल्म है और सरत स ने बड़े स्केल में बोला है कि तेरे पास जो इल है वो अल्लाह ही का फजल है जो तूने काम किया ये अल्लाह ही के फसल के अंदर किया है वरना इंसान के पास ये ताकत नहीं थी जो तूने उठा के लिया है इस इसकेपेबिलिटी पर अल्लाह ही पहुंचाता है लोगों को ये इतना बड़ा वाक्य है सलमान उसको रेकग्नाइज कर रहे हैं कि तेरे पास कितना बड़ा इल्म है जो अल्लाह ने तुझे दिया है हमने यहां पे क्या किया इसका कि नहीं नहीं उसने नहीं लाया था ये तो अल्लाह तला ने मुआवजा करके दिखाया क्योंकि अल्लाह ने तोवजा जबरदस्ती अल्लाह तला की आयतों को झुटलाने वाली बात है अल्लाह उस बंदे को रेकग्नाइज करके बता रहे हैं जिनको भी बता रहे हैं इंसान को भी बता रहे हैं

इंट्रोडक्शन होता है इंसानों के बारे में इंटरेस्ट होता है हमें हाँ पता है ठीक है कि मेरा एक गुलाम है अभी तुम्हें मिलेगा ठीक है कि अल्लाह का एक अब्द है जो अभी तुम्हें मिलेगा ठीक है तो इस नबी है नहीं है इट इज़ फ्रूटलेस टू इवन टॉक अबाउट के उसका नाम क्या था अलखर नबी है कि नहीं यू नो नबी नबी था कि इज वेरी गुड एविडेंस जोलकरनैन नबी थे वेरी गुड एविडेंस क्योंकि नबी डायरेक्ट अल्लाह ताला वही कर रहे हैं नबी को वो से काफ सही से पता चल रहा है ठीक है तो गुड एविडेंस। बट इट इज़ नॉट द राइट राइट क्वेश्चन क्वेश्चन टू टू किया जा सकता है यस मुस्लिम बिलीफ है वो तख्त का मतलब है चाहे चारपाई हो चाहे वो कप हो आप फिलीजल एक्सपेरिमेंट को छोड़ें फ्लोरिडा एक्सपेरिमेंट को भी छोड़ें कुरान पाक की बात करें अब मैं कहू ना पूरी की पूरी ओशन लाइनर गायब की और न्यूयॉर्क में दिखा दी उन्होंने आप गूगल कर लेंगे अभी इसके लिए रेफरेंस की जरूरत नहीं है भी। विद्ध क्रू। विद्ध क्रू। विद्ध क्रू। और और पूरा विद विद द द क्रू 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 ने उठ के क्या कहा हम 20 साल रहे हैं उधर नर्सिंग हुई है हमारी अस्पताल में एंटर हुए थे पढ़ लेना जी और जनरेशन को उधर गई हमारी तो उस उनको उधर ये वाक्य हुआ है ये मैं अमेरिका की बात बता रहा हूं और पूरा ओशन लाइनर फ्लोरिडा से गायब होता है और न्यूयॉर्क में आ जाता है न्यूयॉर्क के लाखों लोग टेस्टिफाई करते हैं हमने देखा भाई ठीक है अब छोड़ दे इस बात को क्योंकि ये ये कुरान नहीं ये ना माने मानने कोई फर्क नहीं पड़ता बेजल में आसमान में मेरा तो एविडेंस ही नहीं है मेरा एविडेंस ये है कि अल्लाह के नबीलाम ने और कुरान पाक ने यह क्लियरली चीजें बता दी हुई इधर गोरों को नजर आना शुरू हो गई है और मुसलमानों आप क्या रहे हैं कि यहाँ पे फिर हुआ क्या था और हम सेंगे कि आप जिस जिसख को पोर्टल समझ के देखेंगे पीछे से भी पोर्टल कनेक्ट होकर नजर आ रही है उधर से एक चीज आई और इधर पहुंच गई आपको क्यों नहीं दजाल की पावर नजर आती है जब मैं ये बातें बताता हूँ आपको क्यों नहीं साइंस के बेसिक्स वाकई में सही डायरेक्शन की तरफ मूव होते हुए नजर आते अभी नहीं पहुंचे वो मैं पहुंच रहे हूं नहीं मगर ये बंदा इतने साल पहले ये किस तरह कर रहा था मेरा यही तो बात है कि इसके लिए आपको नासा के लेवल की टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है मैं वो खाली ये बता रहा हूँ वी हैव ए बुक जिसको किताब कहते हैं अब्दुल्ला बिन अब्बास ने जब अल्लाह ताला के आ, आ, साहबा ने पूछा कि नबी सलाम का विसाल कैसे सबूत दिया तो उन्होंने कहा अल्लाह ताला के तबीमाम ने मुझे दुआ की की थी कि मुझे अल्लाह ताला किताब का इल्म मता करें और वही अल्लाह की किताब है आई एम सेइंग इज़ पाक gives us, अभी तो मैं ये फिजिकल पावर मैं नहीं कह रहा हूँ कि ओ हम वाशिंगटन डीसी से वाइट हाउस ना ही पर्पज़ है कुरान का ना मुसलमान का होना चाहिए मुसलमान का पर्पज़ यह कि जितनी भी बेसिस ऑफ नॉलेज है वो हमारे थ्रू लोगों की प्रोग्रेस और इंप्रूवमेंट का बायस बन रही हो दुनिया पूरी फ्री एनर्जी पर चल रही है काला या चाइनीज या रशियन

एक तो नंबर वन ये जाहिर हुआ कि आपका एट द एंड ऑफ द डे जब आप ब्रेक डाउन करते हैं तो आपका जो क्रिटिकल एनालिसिस है वो ये है कि लोग इससे इंस्परेशन ड्रा करें मिनिमम तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुरान पाक के अंदर कुरान पाक को देखने का एंगल बदलें मेरा मकसद फ्यूचर प्रोग्रेस नहीं याद रखिएगा वो आउटपुट है मेरा मकसद चेंजिंग द ऑफ इफ है कि अली बिन अबी तालिब की तरह कुरान पाक नजर आए हमें जैसे उनको नजर आता था जैसे अब्दुल्ला बिन अब्बास को नजर आता था देखा साहबा कुरान पाक को किसी और एंगल से देख रहे थे शीरा उनको इसीलिए गोल्ड सोना लग रहा था कि नबी इस्लाम की इस तरीके से लाइफ के ऊपर क्या क्या चीज़ें अप्लाई की जा रही हैं। नबी इस्लाम तो अपनी लाइफ में अप्लाई करके आप सबको हम सबको बता रहे थे कि भाई ये लोग इतनी सिंपल सी बात है मैं अगर फिरिश्ता होता तो फिर तुम्हें तो कहता ये रेलिवेंट है तुम्हारे लिए मैं तुम्हारे अंदर रह के सारा कुछ अपलाई करके दिखा रहा हूँ मैं इसलिए आपको सिर्फ कुछ हदीसें सुनाई हैं ताकि उन लोगों को ये मसला ना हो हालांकि सही सही हदीसें सुनाई हैं आपको मैंने कुरान पाक को जब तक हम खुद वैल्यू नहीं करेंगे और बरक़ात और यू you नो know, जो कहते हैं ना कि बरकात निकाल जो फल है उसके रिजल्ट है बरकात निकालने के के अलावा और कोई काम ही नहीं कर रहे हैं बर, आ, आ, आ कुरान पाक छू मंत्र बना लिया मजहब को और कुरान को जी तो कुरान पाक को जब तक हम यूटिलिटी नहीं दिखा रहे कि भाई ये तुम्हारे तो आप ऑफ कौन है? है ना अभी तुम मैथमेटिशियन है हमारे पास ताकत है उनके सामने प्रेसिडेंस सेट करने की आपसे आप कह रहा हूँ उनको राह दिखाने के लिए ये है किताब कि भाई तुम्हारी कुछ डेफिनेशन ठीक आ रही है सही आ रहे हो मगर इंफीरियर साइकोलॉजी का बंदा कैसे बोलेगा पता क्या बोलते आप जो कह रहे थे ना हमारे कुरान में भी लिखा हुआ है नहीं बजाए तुमने उसने जाकर चांद में देख लिया था अब तो तुझे इस इसमें, की रहा, कुरान इसमें एक इशू है कि अगर हम साइंस को देखें तो बुनियादी तौर पर साइंस जो है वो एक तरीका है कि आप करते हो और उन एक्सपेरमेंट्स के जरिए उस खोज के जरिए आप एक कंकलूजन तक पहुँचते हो आप जो चीज सजेस्ट कर रहे हैं वो ये है कि कंक्लूजन आप लेके चलें और उसके तक आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू पहुंचे एक और चीज़ है कंक्लूजन तक तो वो नहीं पहुँचते वो प्रेजेंट तक पहुँचते वर एवर दे आर इमेजिन द एंड इन माइंड इट इज एन एक्सप्लोरेशन वर एवर दे सी दे प्रेजेंट जी मैं आपको बता रहा हूँ हम वो ताकतवर हस्तियाँ होनी चाहिए थी कि जिसको जिनको एंड इन माइंड का भी बता दिया गया वरना ये चीजें एक्स्ट्रॉर्डनरी बिलीफ नहीं है कुरान पाक ने बता दिया बिलीफ है तो हो ही नहीं सकती अब ये तो सिंपल ऑर्डनरी बिलीफ होनी चाहिए हमारी बिलीफ क्या पता फरिश्तों पर ईमान मान मैं हैरानू पोर्टल पर मानना तो बहुत ही छोटा बच्चों वाली बात है फरिश्तों में मानना तो बहुत ही एक्स्ट्रॉडनरी बिलीफ है जो कौन फरिश्तों को मानती हो कि हाँ मेरे इधर और उधर फरिश्ता बैठा हुआ है और हिसाब लिख रहा है जिब्राइल जब्राहन आसमान से जमीन पे आते हैं लाखों करोड़ों अरबों फरिश्ते ये बिलीफ ज्यादा मुश्किल है सेटल करना वो हमने कर ली भी है जो सबसे सिंपल तरीक चीज है उसके ऊपर फटे डाल दिए हमने कि वो ये तो यहाँ मैं आपसे एग्री करता हूँ फॉर इंस्टेंस मुझे अमान को हैदर को हमें बहुत ज्यादा शौक है और भी बहुत ज्यादा लोगों को शौक़ होगा एंड ऑफ डे डिस्कस करना वो ज्यादा नेचुरली एक इंटरेस्ट आपका डेवलप करती हैं हम अपने आप को शोगल में डूमर्स भी कहते हैं डूम्स डे प्रेपर्स भी कहते हैं बल्कि एक मैं कुछ अरसे पहले यूट्यूब पर एक वीडियो देख रहा था एक बड़ा पॉपुलर साइकोलॉजिकल फनोमिन भी है कि हर बंदे को ये सोचना पसंद होता है कि वो एक अपॉकलिप्टिक टाइम में रह रहा है थिंक इसमें फ्रॉयड ने भी कुछ लिखा था एनारकिसट एटी इसका नाम है आई गेस या इस तरह की कोई चीज़ है मे भी हम उसका बहुत ज़्यादा शिकार हैं और हम काफ़ी ज़्यादा हाइपोथेसाइज़ करते हैं फॉर एग्जाम्पल अमान मुझे हदीस सुनाएगा याजूज माजूज के नंबर्स के ऊपर कि अगर एक आदमी है तो नौ सौ निन्यानवे याजूज माजूद की तादाद है इसको रेकनसाइल करने की हम कोशिश करेंगे आपस में नहीं नहीं नहीं, नहीं, मैं सिर्फ बता रहा हूँ मैं जबे, जबे, मैं जबे, मैं जबे, मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ नौ सौ अब इनको रेकनसाइल करना इन आइडियाज को थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन अगेन यहाँ फिर एक क्वेश्चन ये आ जाता है और हमें ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्सी भी यही बताती है या हमें कोई अपने घर में बड़ा बता देगा या आगे पीछे को बता देगा यार हम सूर फातिहा पढ़ रहे हैं सुरह फातिहा के अंदर ट्रांसग्रेसर्स का जिक्र है वालीन का जिक्र है उससे सबक ये अखज़ होता है कि हम ट्रांसग्रेसर्स ना बने या वाली ना बने बजाय इसके कि हम ये सबक निकालने की कोशिश करें कि ट्रांसग्रेसर्स कौन थे जो कि हमें पता है हम जिसमें एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ या वालीन होता क्योंकि हम खुद इस चीज़ को डिस्कस करते हैं लेकिन ये एक प्रॉब्लम हम फेस करते हैं कि जब हम इन चीज़ों की डिस्कशन में जाते हैं फिर वो एक

अब आप सही बोलें या गलत बोलें लोगों ने मानना आपकी मजबूरी है उनकी मजबूरी है कि आपकी वो बात मानी जाएगी इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं इस दौर का फिर एस्ट्रोफिजिक्स ही है अब मैं फ़िरन क्यों कह रहा हूं ताकि समझ जाए अदरवाइज ये फ़िरन की कैटेगरी में नहीं आती बात इन फिलोसॉफिकल टर्म्स ये जरूरी था मैं आपको मिसाल देता हूँ पिछली दफा में मैंने वो की ना ट्रोजेटरी बोली ये मैंने आखिर मतलब मेरा तो काम में है कि सबसे पहले मैं सेंट्रल पोजीशन कर दूं कि को में जाना जरूरी है इफ इट वी कैन लुक एट इट फ्रॉम इट ओपन ऑफ द मुस्लिम माइंड के सिर्फ इस दुनिया तक ना रह जाना ये नहीं कि हमने जाना है बाहर जा के हम अलग अलग कौमों से हमने भी नो नो no, no, हम मैं इस कॉम की बात कर रहा हूँ इस कुर्रे के ऊपर आज तक जिसने भी राज किया है उसने सही या गलत हुक और क्रुक उसने सबसे पहले अपने लेकिन तलवारों के थ्रू ना हम डंडे के थ्रू गोलियों के थ्रू खिलाफत भी लेके आ सकते हैं तो मगर वो दस दिन नहीं चलनी क्योंकि आपके अपने बच्चे आपके नीचे से बगावत कर देंगे जिसने भी तलवारों के थ्रू खिलाफत की है उसके अगले बच्चे ने तो बगावत की है खैर हमारे बच्चों ने हमारे खिलाफ हो तो अमेरिका भाग जाएंगे उस डरते हैं ठीक है हमारे अपने सगे बेटे बेटियाँ सिटीजनशिप ले रहे होंगे आपने अगर वाकई में दुनिया को फतह करना है तो फिर जहन फतह करने होंगे फिर बंदे नहीं फतह होने फिर आपने उनकी सोच फतह करनी है वो हज़ार साल की खिलाफत है चाहे उसको आप कैलिफेट बोलें या उसको गवर्नेंस की कोई और कैटेगरी दें यू नीड टू कॉन्कर द माइंड इफ यू कॉन्कर द माइंड आप क्या समझ रहे हैं लिबिया इजिप्ट अरबी क्यों बोलता है इजिप्ट अरबी क्यों बोलते हैं शुमालियत अरबी क्यों बोलते हैं बिकॉज कोई अरबी की ट्यूशन मिलती थी उनको या साहबा गए थे पहले अरबी सिखाएंगे बाद में कुरान नो इट दैट नवर है थिंक देर इज गोइंग टू गेट डेम द सेम बेनिफिटीज और दर दू नो दॉलेज और पावर है अब अ, ये बिल्कुल बिल्कुल हमने गौरा बनने के लिए नहीं गौरों की तरह की पावर लेने के लिए वो ताकत लेने के लिए अंग्रेजी सीखनी होती है अब बिल्कुल इसी तरीके से हर चीज में मिमिक्री करता है इंसान जिसको देखता है कि इसके पास ये चीज है आप नहीं बिगर कॉन्सेप्ट मोर्फिक रेजोनेंस होती है कि एक पूरी जनरेशन जो इस वक्त सात अरब बंदे जिंदा है सौ साल बाद ये सात अरब बंदे मर चुके होंगे गारंटीड सी द रिफ्रेश रेट ऑफ दिस प्लान कि सौ साल के अंदर अंदर ये सात अरब में से कोई नहीं बचना क्योंकि जो आज पैदा हुआ है ना मोस्ट प्रॉब्ली सौ साल का नहीं होगा ठीक है चले एक सौ दस साल कर सात अरब लोगों ने जिस जिस लेवल की अचीवमेंट रिकॉर्ड करनी है उससे अगली नस्ल वो बेस लाइन वहां से स्टार्ट करेगी अपनी यहां तक कि उनकी केमिस्ट्री भी वहीं से ट्यून हुई हुई होगी दे विल हैव हाँ द काइंड ऑफ स्किल्स बाय बर्थ इन द फर्स्ट फाइव सेवन ईयर शो दो जो कि हमने पांच हजार साल लगाए वहाँ तक पहुँचाने में चीज़ों को ठीक है एटलीस्ट दो सौ साल लगाए जो क्योंकि हमने दो चीज़ें नहीं डाली हैं दे नेचुरली हैव दैर सो यू यू सी दैर और क्रॉस दिस इज अ जनरल कॉन्सेप्ट मगर उसकी ज्यादा फिर कंपोनेट्स ब्रेक करके उसकी साइंस भी तो निकालनी है कि वो कैसे रहा है बिकॉज यूज सीन एवरीवेयर केमिस्ट्री में तो नजर आ गया हमें फिर देन वी है बायोलॉजी ऑफ इट क्योंकि हाउ डज दिस एक्चुअली गो बाउट फिर में अंग्रेजी शुरू हो गई नहीं यानी ये उर्दू में बात नहीं हो सकती है अब <laughs> कहानी है कि हमें फिर हमें मैप से नजर आना शुरू हो गए कि भाई ये तो तो मेरे अब्बा जी की जनरेशन की वन पॉइंट टू नाइनो लीटर पर मिले ग्राम की सेलिब्रिटी लिटरल टर्म्स में हर वक्त सैकड़ों हर हफ्ते सैकड़ों लोग घर पर होते थे ही राइटर राइटर तो ज्यादा फेम था तो डोपमिन हाई थी उनकी उनके बच्चा मैं 1.2 1.5 से नैनोलीटर से 35 नैनोलीटर की बेस जंप है मेरी जनरेशन की बेस जंप है आई डिडंट लर्न इट औरन इट आई वाज बोर्न विद इट यू नीड टू सी और मेरा बेटा साढे 450 नैनोलीटर पे पैदा हुआ है ही डिडंट लर्न इट वो आईपैड पे तो नहीं पलावा सोचे ये क्या हो रहा है सो दिस 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 इनाफ टू पुट द केस ऑन द टेबल के उस

Utility. फॉर इंस्टेंस मैं वही बात कर रहा था कि बाज़ात कुरान से अंदर आपने अखज़ करना है इखलाक कुरान से आपने अखज़ लेना है मिसाल के तौर पर कि मैंने लड़ाई में अग्रेशन में मैंने रवैया कैसे रखना है एज अपोज टू जो मैं इस पोर्टल का फॉर एग्ज़ाम्पल कॉन्सर्ट लेके इसकी यूटिलिटी क्या अखज़ज कर सकता हूँ या निकाल सकता हूँ या वो मुझे कैसे अफेक्ट कर सकती है या जैसे आप अक्सर जिक्र करते हैं सुपीरियर साइकोलॉजी या सुपीरियर मैंटैलिटी वाप की कैसे डिवेलप होती है मैं आपको आसान करके बताता हूँ कुरान पाक का फॉलोअर लिटरली कुरान पाक का जब प्रेजेंटर बनता है तो वो सुप्रीम साइकोलॉजी में खुद ही आ जाएगा मैं आपको सुप्रीम कोर्ट की बल्कि छोड़ें सुप्रीम कोर्ट को लॉ बुक देता हूँ पाकिस्तान की पिनल कोड की लॉ बुक और मैं कहता हूँ आओ मैं ट्यूशन दे देता हूँ मैं जब लॉ बुक खोलूँगा आपके सामने तो वो लॉज होंगे सारे तो मैं लॉज समझाऊँगा आपको आप उसे कहेंगे आप उसे ये नहीं कहेंगे कि ये लॉ गलत है आप ये कहेंगे कि ये लॉ है तो इसके you know, जो भी प्रेसिडेंसेस हैं जहाँ से भी बनाया ये अच्छा हो गया आई विल नेवर बी रिक्वेस्टिंग और इन अ प्लीडिंग मोड वाला यू यू द लॉ cuz that's the law yeah yeah there is no two ways about this that's the law ये है, नहीं मानेगा तो उस्तादी या तो फेंटी है, ये जेल है, ये फांसी है या जेल है या सीधा-सीधा फांसी है ठीक है ये तोड़ा तो ये लॉ है किसका पाकिस्तान पिनल कोड का मैं हैरान इस बात पे होता हूं कि पाकिस्तान पिनल कोड को समझाते हुए हम कितने असर्टिव हो जाते हैं पावर आ जाती है समझा रहा हूं खाली एक प्रोफेसर हूं खाली और कुरान को प्रेजेंट करते हुए हम प्लीडिंग में दोनों हाथ मांगे होते हैं हम जैसे फकीर हैं कि ये मान लो प्लीड अल्लाह ताला ने लॉ नीचे उतारा है वो हम बिसीच करके दिखा रहे हैं और पाकिस्तान पिनल कोड के ऊपर हाथ में डंडा खुद ही आ रहा था हमारे ये कौन सा मुसलमान है जिसको ये बात समझ नहीं आ रही कि अल्लाह फरमाइशें नहीं करते अल्लाह अहकाम देते हैं अल्लाह नसीहत क्या अल्लाह क्या कहते हैं अल्लाह तलातजा नहीं करते मेरा रब अहकाम देता है आपको कोई सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं मिलेगा कुरान पाक के अंदर कहीं भी में भी डबल मीनिंग स्टेटमेंट में सार्क एजम नहीं होगा स्ट्रेट बात है सारे के सारे लॉ जितने भी हैं सब कुरान पाक के अंदर हैं कुरान पाक से हैं और कुरान पाक पे हैं इसके अलावा कोई और लॉ नहीं है कुर इस्लाम में और जब हम लॉ प्रजेंट करते हैं तो पैरों में गिर गिर के यू नो इस्लाम इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन वर्ल्ड जिस तरह का तुम बेच रहे हो तो दुनिया में और तो कायनत का सबसे तेज़ कमोनिटी होनी चाहिए एप्पल के प्रोडक्ट कम बिकने चाहिए इस्लाम ज़्यादा बिकने चाहिए क्योंकि तुम तो कह रहे हो आप भी जीत गए हम भी जीत गए थोड़ा थोड़ा आप ले लें बस ये तो कलमा पढ़ लो और फिर एथलीट्स अथले, के नाम सिंगर्स के नाम यू you नो know, सारे कॉन्वर्ट्स इकट्ठे हो रहे हैं और जधर जिधर भी हो रहे हैं अभी जो सारे सारे दुआ कर रहे हैं रोनाल्डो मुसलमान हो जाए जो मुसलमान जो इस्लाम हम दे रहे हैं वो तो पक्के पक्के उनको दो भी शिफ्ट कर रहे हैं हम तो वो एटलीस्ट तो जितना तो तो की सख्ती आनी साहबा प्रजेंट करते तो दुनिया कहती थी, थी इनको तो कतल दें हम लोग प्रेजेंट करते तो लोग जबिया डाल डाल कन्वर्ट हो रहे नबी इस्लाम के खिलाफ पूरी दुनिया हो गई थी और हमारे इस्लाम के ऊपर से लेके प्रोनी ब्लेयर वहां से ओबामा से लेके इधर की सारे के सारे भाग भाग के इस्लाम में आ रहे हैं हमें ऐसा कौन जादू आता है जो उमर खताब को नहीं आता था दे शुड लर्न फ्रॉम अस ऐसे के ऐसे इस्लाम करते होते हैं तो पूरी दुनिया दुश्मन मेरे नबी की बताता हूं इसके पीछे नफ्सियात है ना इसके पीछे सिंपल सा फार्मूला है तरद दो पढ़ ले जो बच्चा शुरू से कमजोर शुरू से डरपोक शुरू से सहम पलेगा उसकी पिटाई होगी चाहे माँ बाप करते थे या क्लास में दोस्त करते थे और वो डरपोक चारपाई के नीचे पल है सारी उम्र वो जब कुरान पाक में एंटर होगा ना तो वो उसको जस्टिफाई करने के लिए पाक से करेगा ही करेगा यहाँ तक कि वो फलस में डाल देगा सो so ये जब भी आप देखेंगे किसी गिलगित से कराची तक कश्मीर से कन्याकुमारी तक और मुस्लिम स्पेशली इंडियन मुस्लिम बंगाली हो या जिधर का भी हो सब कोई इस वक्त डाले ना उसमें ये मैं इसलिए तो ये दो फलसों की बात कर रहा था ये दो फलसफे क्यों फलस क्यों ये बुजदिल मुसलमान का दुनिया में सबसे अट्रैक्टिव फलसफा यह है कि कुछ नहीं करना पड़ेगा बस ना देख बुरा ना सुन बुरा ना कर बुरा गीता में लिखा है कुरान में तो कहीं नहीं ऐसा लिखा हुआ कुरान ने पता क्या लिखा हुआ है जब भी देख बुरा हाथ से पकड़ ले जाके सोच तो ये इतनी एग्रेसिव किताब तो ज़ाहिर है लोगों ने कुछ ना कुछ तो करना था इसके साथ तो ये पॉलिटिक्स हुई है हमारे साथ कुछ बुजदिल बच्चों ने बड़े आलिम बनना था उन्होंने क्या करना था फिर उन्होंने कुरान पाक की पाकि आयतें नले करने के लिए स्ट्रेटजी बनानी थी फिर क्योंकि उससे उनकी अपनी सेल्फ एस्टीम दबा हो जाती थी यहूदियों ने एग्जैक्ट ये काम किया अल्लाह ताला ने इनके बारे में डायरेक्ट आयत बताई कि ये बाज आयतें छुपा रहे हैं बाज आयतें बता रहे हैं और फिर खुद अपना कलम चलाना शुरू हो गए क्योंकि इनकी अपनी सेल्फ एस्टीम गवारा नहीं कर रही कि यार लोग कहेंगे कि खुद तो तुम छुपने का काम करते हो और हमें कहते हो जाके लड़ाई करें सोचें से। सही so, सो होता क्या है कि अब आप देखेंगे पूरी दुनिया में दो तरह के एक वो जो क्लियरली बताता है कुछ आए सिर्फ सिर्फ सलाम के लिए ढूंढने <laughs> ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है एक दो वीडियोस में एक दो किताबों में तीन चार पैराग्राफ में ये भाई साहब नजर आ जाएंगे आपको जी, फिर आप उन पर्सनल हिस्ट्री में जाए तो पता चलेगा कॉलेज में भी किसी जगह पे भी वो पाई नहीं जाते थे सिवाय चारपाई के नीचे और घर में भी चरपाई के नीचे छुपे होते थे कि भाई किस तरीके से कन्फ्रंटेशन ना हो जाए दे आर प्रोजेक्टिंग नॉट जस्ट इन सिक्योरिटी दे आर वेरी सिक्योरिटी बोले इसको दे आर लिटरली प्रोजेक्टिंग किस तरीके से सिक्योर हो जाऊं और प्रेजेंट हो जाऊँ की लगाया हुआ है देर आर सो मच देर इज सो मच इन द कुरान जो कि एक वीक सेल्फ एस्टीम वाले को लोअ सेल्फ इस्टीम वाले को लोअर सेल्फ वर्स वाले को कुरान पाक समझ नहीं आ सकता समझ नहीं, करने के तो दूर की बात है समझ नहीं आ सकता उसके लिए अस्यूम करना पड़ता है कुरने पाक के समझदार बनने के लिए सबसे पहले कि तू प्रटिकली एक्टिव बनना है तू वैसे भी मुझे बुराई देखते तो तुझे बुरी लगती है और तू भागने की कोशिश करता है उसकी तरफ कि मैं रोकू तो नदर इतनी गैरत है तब कहीं जा करताब लेवल का कुरान समझ आता हैालिबिन का वरना साहबा के वाकयात ज़्यादा बड़े मौजाते हैं ये पोर्टल वगैरह से खैबर का दरवाज़ा तोड़ना आम बंदे के समझ में नहीं आ सकता अगर आप तफसील पढ़ें अगर हुसैन अलैहिस्सलाम का सुर कहा पार रहा होना नेज़े पर सर रख के ये आम बंदे को समझ नहीं आ सकता ये ज़्यादा बड़े मौजाते हैं पोर्टल खोलना और अफरीत का ये वाला वाक़ ये मिनिस्क्यूल लगते हैं कंपेयर टू जिस तरीके से साहबा ने लाइफ गुजार दी हुई है ये इसीलिए मेरी बेस कंटेंशन है उन लोगों से स्पेशली मेंबर के ऊपर बैठे हुए मौलवियों से कि जो इस्लाम का वो वाला वर्जन दे रहे हैं जिसमें हर बंदा बच जाए किसी को कुछ ना हो सिवाय इसके के वो वाला बंदा राज करे कि जिसके पास थोड़ी सी भी पावर है ये बड़ी वैसे आपको लगता लगता क्रिश्चियन टाइप थिंकिंग है कि बस सब सेलिवेशन ले लें सिर्फ कबूल कर लो जीसस को अपने लॉर्ड के तौर पे तो तोाह हो जाएगी जन्नत से निजात मिल जाएगी एक दफ़ा तस्लीम कर लो बैप्टज़म कर लो एक दफ़ा तस्लीम कर लो इस तरह की एक एनर्जी में मुबलगिन में वाइज़ीन में अब यूथ के अंदर भी मिलती है अनफॉर्चुनेटली सब जगह पे अलाव है जिसका प्रोफेसर दुनिया का सबसे बुजदिल आदमी हो कोई टेंशन नहीं क्योंकि तो ये एलिमेंट उसकी फील्ड और उसके पर्पज से काउंटर नहीं करता मुसलमान वो भी आलिम कहता हूं अपने आप को और वो बुज देो पीछे से तो पूरा का पूरा कुरान काउंटर कर रहा है उसके आगे सो ही हैज टू कम अप विद सम सॉर्ट ऑफ अ परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन लगाएगा वो हम्म ऐसा मैकेनिज्म कि वो बुजदिल ना लगे।, वो नहीं लगे नहीं नहीं वो अपने वो लोगों के लिए बाद में दिखाते होते हैं हम कि मैं कितना बहादुर हूं या मैं कितना सही हूँ बहादरी का तो एलिमेंट ही नहीं है ना उसके अंदर तो वो तो बात नहीं होगी वो बल्कि बहादरी की तारीफें और ज्यादा करके देगा ओवर कॉम्पनसेट करते हैं फिर ये लोग ठीक है ये है किसे भी सुनाएंगे क्योंकि ओवर कॉम्पेशन तो नेचुरल है द रियल प्रॉब्लम इज नॉट अबाउट ही इज ट्राइंग टू प्रोजेक्ट वीज ट्राइंग टू पीपल द रियल प्रॉब्लम इज वो अपनी सेल्फ वर्थ अकेले में अपने सामने बढ़ाने के लिए ऐसी चीज करेगा जहां के चेरी पिक उसकी आंखें नजर ही उसको बोली आएते आएंगी जहां पर वो सही साबित हो रहा है यू नीड टू नो द पावर ऑफ साइकोलॉजी जब मैं कोई ऐसी मैं अपने आप को अपनी फिल्म का हीरो मानना मेरी सेल्फ वर्थ का तकाजा है दुनिया का हर बंदा अपनी अपनी फिल्म का हीरो है वो जरूरी है कि वो उस हो? उस इस प्र, प्रोजेक्ट के अंदर मेन कैरेक्टर हो उस पूरे के कि पूरे किताब के अंदर कि हाँ मैं आई 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 एम ऑन द राइट ट्रैक बड़ी मुश्किल होती है ये बात सोचना कि शायद मैं भी एक एनपीसी हूँ, यू नो ज्यादातर लोग समझते हैं मेन एनपीसी बाय द वे वीडियो गेम्स में बच्चों की नॉन प्लेएबल कैरेक्टर्स होते हैं कॉमन नहीं ये वोक लैंग्वेज है भाई शायद मे बी वी वर नेवर मेन कैरेक्टर शायद हम हमेशा एन पी सी एक लेवल आएगा अभी कुछ देखना मैं आपको अल्लाह ना करे लेवल आए मगर बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है मुझे कि करेज विल बिकम अनकूल दिस लेवल ऑफ सेल्फ एस्टीम विल बिकम ए नॉर्मल स्टैंडर्ड एंड एनी वन विद हाई सेल्फ एस्टीम विल बी ऑस्टिसाइज एंड्रोटेट सर दलेर आदमी है

मैं आपको बता रहा हूं अगली नस्ल में इट विल बिकम अ रिपल्सिव मैं टेट को पूरी तरह क्वालिफाई नहीं कर रहा हूँ से हम एंटर हुए हैं ना इधर और वह सिर्फ माओ का कसूर मैं बता दूं आपको 95 परसेंट इसलिए सिर्फ बोल दिया क्योंकि माँ अपने फियर अब गुटी में डालना शुरू हो गई है अपने बच्चों के और उस वजह से आदमी पावरलेस हो रहा है इसलिए बट बेटा नहीं चौहर चीज प्लेइंग विद द एलिमेंट ऑफ हियर एमोशन बारह लंबी तफसी कहेंगे ओर चाहिए बात को मैं वो खाली आपकी इस बात से कह रहा हूं अगली दो नस्लों में कुरान पाक रिलेटेबल ही नहीं रहेगा कुरान पाक की रिलेटेबिलिटी के लिए एक इंसान का करेजस होना बेर मिनिमम है वरना कुछ ऐसी आयते हैं जिसकी लिस्ट में अभी मैं तफसील में नहीं जा रहा कि आम बंदा उस आयत को अपनी आर्की अपनी सेल्फ ड्रिवन आर्की टाइप के अंदर फिट कर ही नहीं सकता पोस्ट मॉडर्निज्म का आपने जिक्र किया है पोस्ट मॉडर्निज्म खराब कर रहा है इस्लाम को तोड़ रहा है इस्लाम को पोस्ट मॉडर्निज्म तो इशू क्रिएट कर रहा है अपने आप आपको पोस्ट मॉडर्निज्म अपनी लिबर्टी देता है इतना अट्रैक्टिव है ना पोस्ट मॉडर्निज्म कि वो लिबर्टी देता है कि आप अपनी मोरालिटी की डेफिनेशन आप खुद दे सकते हैं कैन बी काउंटर काउंटरिंग इच अदर्स फिलोसॉफिकल मोरालिटी एंड स्टिल थिंक देर राइट सब्जेक्टिव ट्रूथ का जो मसला है टेक्नोलॉजी oh, yeah, yeah, मैंने इसलिए इस्तेमाल नहीं कि hmm. सही और गलत की तमीज आपको खुद देने की इजाजत को अल्लाह तला ने पहले से कुरान में बता दिया हुआ है उसको तहुत बोलते हैं कि तुम पॉलिसी नहीं बना सकते जो बंदा यह बताएगा कि मैंने पॉलिसी बनानी है खुद वो ताबूत हो गया और ताबूत इज द टॉप क्राइम मैं इसलिए कह रहा हूं कि निज़ाम इतनी बड़ी चीज है इसकी बेसिक जरूरत है बेसिक जरूरत नखरा यह बेसिक जरूरत है वरना जैसे आप निजाम से बाहर निकलेंगे आप प्रोन टू ताबूत हैं क्योंकि फिर आपको लिबर्टी खुद ही मिल रही है कि आप पॉलिसी बनाएंगे और बनाई है इंसानों ने हर आप, हर बंदा अपनी क्योंकि इंसान की देखें जन्नत की मखलूक है किसी शक में मत रहिएगा हमारा बाप जन्नत में बना था और जन्नत से ही हम आए हुए हैं वो प्रोजनिक चीखे मारेगी अंदर से और दुनिया में जितने भी काम आपने किए हैं वो जन्नत की क्या में किए हमने मोबाइल बनाया जन्नत का काम किया कि बटन पे आ जाए सारा कुछ हमने एसी सी बनाया हमें गर्मी नहीं बर्दाश्त हुई हमें सर्दी नहीं बर्दाश्त हुई हमें अच्छा लगना बहुत जरूरी है अठारह सौ किस्म की लेंस निकाल ली वी आर ऑल प्रैक्टिसिंग एवरी सिंगल थिंग जो कि जन्नत बादशाह सलामत दुनिया में फंसे हुए और सारे के सारे शाहाना काम किए हमने अगले 10-20 सालों में देखना भी डोपामीन चैनल्स किस तरह की हमें स्टेट के अंदर एंटर करेंगे सो so, अब मसला यह है कि दुनिया के अंदर जनती फिट हो नहीं सकता और अगर समझ ले कर भी दिया तो जन्नत नहीं फिट हो सकती तो वो जो फ्रस्ट्रेशन आनी है ना वो मैं इसीलिए कह रहा था कि आपके डोप चैनल्स इतना बड़ा मैप है एक दफा हम डोपामीन का मैप निकाल लें पूरे मसलों के तमाम तर लिस्टें आ जाएंगी और जब एक दफा आपको मसले की लिस्ट आ जाएगी तो आप उससे भी निकाल सकते हैं ये एक मैंने आपको बताया एलिमेंट ऑफ़ करेज का सबसे बड़ा मसला मुझे पता क्या है इस वक्त दुनिया में में कि लोग कुरान कुरान से अपने आप को प्लेस ही नहीं कर सकेंगे इससे बड़ा कोई मसला नहीं आप मुसलमान को नहीं हो और रिलेट और फाइंड इन बेटर वे पुटिंग इट अब क्या करें फिर फिर क्या होगा सबसे पहले साहबी एलियनेट हो जाएंगे सबसे पहले साहबी अब तो हो चुके हैं एलियनेट लिटरली मगर यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड देम रियल और जैसे ही एक साहबी ड्रॉप किया ना आपने लिस्ट से आपने अपना नबी ड्रॉप कर दिया याद रखिएगा क्योंकि साहबा के नाम नबीलाम के एट्रीब्यूट को आगे लेके चल रहे हैं ये पूरा का पूरा समझ लें किसी एक साहबी का जो मेजर एट्रीब्यूटल मॉडल वो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो आपने एट्रीब्यूट्स अनरियल किया उसी वक्त प्रोफेसा सलम के पूरे के पूरे आर्किटाइप को आपने डैमेज कर दिया उसके बाद क्या होगा आपको भी पता है, मुझे पता भाई वो एलियन स्टोरी लगेंगी सारी कि यार ये तो हो ही नहीं सकता और फिर हम एक नया मॉडल निकालेंगे बिकॉज़ अंदर से तो हम इंसान हैं आ फिर आप नई डेफिनेशन ऑफ सेल्फ एस्टीम निकालेंगे सेल्फ वर्थ हीरोज़ जर्नी नई डिफाइन करने की कोशिश करेंगे और उसमें हाँ फिर खुद फिट ना अपने आप से रिवर्स इंजीनियर करेंगे क्योंकि हम घटिया और डी नेचर हो गए हुए हैं तो अब साहबा और वो जो सलफिन थे जो सुपीरियर जनरेशन थे अब वो अनकूल या वो अब रिलेटेबल नहीं लग रहे हैं जबकि बेबी अर्लियर इंसानों के एस्परेशन थे वो देखें आप अभी हाँ बिल्कुल बात दुरुस्त किया आपने और यही बात पर इतफाक है आप इसको जरा सना छोटी सी तस्सील करें कि बंदा रियल अन रियल नहीं होता एट्रीब्यूट रियल अन रियल होता है जिस टाइम हमने एट्रीब्यूट अन रियल कर दिए ना उसके बाद हमने जो फिर मैं आपको बता रहा एस्केटोलॉजी की हदीसें कैसे रियल होती हैं कि उस वक्त जो हालात होने हैं ना नबी इस्लाम ने बताया इंसानों के इंडिविजुअल और ग्रुप के हालात माशर्ती हालात अखलाकी हालात क्या होने हैं वो समझ नहीं आ सकती आज तक कोई बंदा मिला है जो बता सकता हो इस हदीस का मतलब जो कि सबसे मशहूर कि एक औरत अपनी ही मालकन को मालकन को Can anyone tell you the meaning of this? आप सिर्फ साइकोलॉजी के थ्रू इस हदीस को आसानी से समझ सकते हैं यानी अपने मॉडल आर्किटेक्ट को खुद जन्म देगी कि मेरे एंसेस्टर्स या मेरे बड़े कौन हैं एंड वो

एक इंसान पे उसकी सबसे वीकेस्ट हालत में उसकी सोच छीन ली जाए में बचपन में वही ना एक बंदूक लेके मेरे पास कोई आए तो मेरे पास एटलीस्ट ऑप्शन होती है कि यार मैं आ जाऊँ सामने ठीक है बड़ा चाइल्ड उस बेचारे के पास तो ऑप्शन ही कोई नहीं था आपने उसकी सोच ही छीन ली सर लेकिन फिर बंदूक खान अगर खुलते जाए तो बाहर इन बोनों को नौकरिया मिलती जाएंगी दरवाजे पे सर अक्सर पाकिस्तान में अगर तिके के बाब का रेस्टोरेंट होता है उसका दरवाजा एक बोना खोलता होता है

और कैद हालांकि उलट है आजाद और गुलाम और जितना सुकून गुलामी में है ना ये कोई हमें बताता नहीं नहींना मिज होना इतना तस्किन आमेज जिंदगी है आपको स्ट्रेस लेनी क्यों क्योंकि स्ट्रेस हमें दुनिया में अल्लाह ताला ने बनाते हुए समझा दिया है ये जो मैंने आपको आज सुनाई थी आज कि हमें स्ट्रेस आज तक हम तो मर्द इधर बैठे हमसे पहले क्यों नहीं जान सकता सब कि सबसे ज्यादा स्ट्रेस हमें पता है जिम्मेदारी की और एक गुलाम को सब कुछ पता होता है कि फेसबुक तो देखना, देखना <laughs> और निकल जाना उसकी कंपनी जाएगी उसका नुकसान उसकी नहीं जाएगी उसका फायदा लेकिन वो एक शॉर्ट टर्म वो है ना कह रहा हूँ गुलामी का इतना मजा है कि आपको बिग स्टेक्स डिसीजन लेने नहीं पड़ते सोचें पर वो मजा मैं ये कह रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म है ना यानी कि ओवर द लॉन्ग टर्म वो बोना मिजरेबल ही होगा अपनी जिंदगी में नहीं नहीं मालिक चेंज होते रहते हैं गुलाम गुलाम ही रहता है नहीं तो फिर क्यों कोई भी यानी कि स्टेप ले ऑफ नॉट बीइंग अ बोना अगर बोने में कुछ सेल्फ इंट्रोवल या दैट्स व्हाट आई एम सेइंग स्ट्रगल कि असली डेवलपमेंट तो सबको चाहिए ही चाहिए ना मेक मतलब ये कि ज्यादातर दूसरे को देख के तरस क्यों रहा साल में रेड पिल रेड कप ऑफर कर रहे हैं टाइनी <laughs> मेजेट टी आई एम ट्रेडमार्क और समझे

अचीवमेंट सिर्फ और सिर्फ अल्लाह जब जल की तरफ मैं आपको अच्छा देखें मुझे अशफाक मजाम समझिएगा मैं कोई वकायत या अकवाले जरिए नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको बेसिस ऑफ प्रोजेक्ट प्रोग्रेस बताऊ बेसिस ऑफ प्रोग्रेस कि अगर वाकई में देखें ये हो ही नहीं सकता कि माँ अपने बच्चे के लिए कम चाहे या बाप अपने बच्चे को कमतर करना हो ही नहीं सकता हमने बट डेफिनेशन बदलनी है कि बरतर की डेफिनेशन क्या है वो खुद जान मार देगा क्योंकि पाकिस्तानी जितना मर्जी नाहल हो चिचोर हो चक्का हो दरपोक हो लिस्ट बहुत बड़ी है नहीं <laughs> मगर अपने बच्चे से इन नहीं है ये हो ही नहीं सकता कि बाप अपने बच्चे से हो एक्चुअली जितना इमोशनल पाकिस्तानी बाप है ना अपने बच्चे के लिए दुनिया में बहुत कम है ही ही कैन डाई फॉर हिम मैं ये इसलिए बता रहा हूँ अगर सही टाइम पे लड़के को पता चल जाना कि भैया बात अंदर से तो तू तरसता ही रहेगा बड़ों को देख के बड़ों का मतलब पैसे वाला नहीं बड़े आदमी को देख के तो

ये ही होता है दुनिया के हर खिते में हर कौम के साथ ऐसा ही होता है कि आपको इमाम वजाली की मैं यार बाद बात, बात ख़त्म करता हूँ कि बहुत लंबी बात है लूम ज़रूर पढ़ें सारे और गौर से समझें अब लूम ने भी पो, पोर्टल खोली ठीक है मसला ये है ये लोगों को हज़म नहीं होती कि पॉइंट ये मैं अमीर खानी नहीं सुना रहा अयालूम से कि शैतान की जो असली गेम है एक दफा तो हमें समझ आ जाए ना तो आपको पता चलेगा वी आर द फाइनेस्ट पॉन्स ऑफ द दे डेवल्स गेम वी आर द फाइनेस्ट इतना शैतान का अपना सगा बच्चा भी नहीं इतना जबरदस्त तरीके से उसकी स्ट्रेटजी को पूरा कर दी इस हमारी डेफिनेशन रॉन्ग करके बता दिए नबी सलाम के सहाबा के बारे में इबलीस का डायरेक्ट डायलॉग डायलागूम उन्होंने कोट किया छोड़ दें कि वो हदीस जीफ़ है मैं खाली फलसा समझा रहा हूँ कि दीज पीपल एक एट्रीब्यूट है आप आप इसको सिर्फ़ वो हदीस बता रहे थे कि इन लोगों का एक ही एट्रीब्यूट है जो कि हम वो नहीं है जो आयरन डोम है साइल ने बिल्कुल आयरन डोम बनाई हुई है हम जब जाते जैसे कि हम ये देख रहे होते हैं शैतान का चेला कहता है हमें स्पॉर्ट कर लेता है और जैसे ही हम जाते हैं नमाज में खड़ा रहता है बंद साबी के बारे में बोल रहा तो शैतान ने क्या कहा कि ये ऐसे नहीं फते होने वाले इनको पैसे दो इनको पैसे दो वरना ये नहीं पता वाले और जैसे ही मुसलमानों के पास पैसा आया देख लें हिस्ट्री पढ़ लें उमर अखताब के टाइम पर क्या हुआ पीक पकड़ी हमने मुसलमानों के पास पैसे आ गए और उमर उलखताब के फ़ौर बाद मुसलमानों ने क्या किया एक दूसरे के साथ ऑल रीडिंग द दिस्ट्री बस आपको पता नहीं था कि कर करना क्या है और आपके पास हर उम्मत का फितना है कोई मेरी उम्मत का फितना माँ बस इसलिए कह रहा हूँ पर्पज़ सेट कर लें एक बंदा पर्पज़ वाला हो उसके पैसे आ जाए ज़रूरी है उसके पैसे आएँ तो वो दुनिया का भला कर देता है और एक पर्पज लेस बंदा उसके पास पैसे आते ही वो दुनिया तप, अपने आप को और दुनिया को तबाह कर देता है दिस इज फ्रूट ऑफ द होल फाइनेस्ट सिम्टम ऑफ द बिगेस्ट डिजीज विच इज वी from क्या बात है ऐसे ही सब लोग मेरी तरफ देख रहे हैं पॉडकास्ट

So, <coughs> इसमें no, जो सबसे स्पाइसी बातें हैं ना वो कट जाएंगी और वो हमारे पेट्रिया पे अवेलेबल होंगी सिर्फ <laughs> पीछे और तंग समझ रहा हूँ आपको हम दे सकते oh, yeah, 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 no, yeah, no. हैं आई <laughs> कुछ फाइलें हम आपको बेच सकते हैं पैसों की बात है है ना ना थैंक यू सो मच फॉर कमिंग तरफ से ऐसा लिखा हुआ था कि मुझे एक रात पहले आना था तो अच्छा हो गया और uh, मुझे भी बहुत ज्यादा फोर्स किया गया था आफ्टर योर लास्ट सेशन आईरोनिकली मैं सच बता रहा हूँ को मेरी बहुत पॉडकास्ट होती है मतलब आई डोंट थिंक मेरे मैं तो हर जगह पहुंचाता हूँ बट मेरे जनरल फीडबैक्स में ना इट वॉज सरप्राइजिंग द वे यू गाइड शुरू हो ही जाते हैं है <laughs> तो बहरहाल मुझे एक पहली दफा ऐसे हुआ था कि माई फोन कैप्टन रिंगिंग ओवर एंड ओवर और बाय द वे आज सुबह तक भी अरुणा अभी क्या चल रहा है पॉडकास्ट का आपके ऊपर रिव्यू मगर मुझे जितनी डांट भी पड़ी थी और ज़्यादातर डांट ही पड़ती है वो जो बायस किस्म के तारीफ़ी वो होते हैं वो उसको आप यू नो उससे एजिटेट ही होते हैं तो आई वॉज वेटिंग के क्योंकि पहली दफ़ा से ही पहले घंटे से ही मुझे या पहले शाम से ही मुझे डांट पड़ना शुरू की थी कि कि तू या अंग्रेजी बोल या उर्दू बोल पहला <laughs> ये था दूसरा कि यार You should have interrupted the interrupters. <laughs> <laughs> the interrupter. I accept. <laughs> no, no. By the way, i you have a strength which you're using as a weakness. राइट यू नीट टू अंडरस्टैंड इस्थ मुझे ऐसा लग रहा है कि जॉर्डॉन मेरे से बात कर रहा है वाइट पावर वेंचर बनने लगा इफ यू कैन यूज दिस एज ए स्ट्रेंथ नीट नो के देर इज आई मीन आई वुड रिकमेंड योर नेम फॉर सर्टन प्रोजेक्ट के अमान से कहें माइक्रोफोन पकड़े बिकॉज आर नो वे यूगर ये बेचक कैमरे पे ले अच्छी बात है

ये बहुत ही बड़ा मसला है मुसलमान कभी भी एक दूसरे एक दफा बिन जासर ने आके हदीस सुनाई है को काफी सारे बैठे थे तो अमर खत्ताब ने कहा लेके आओ। तो ने कहा कि मेरे साथ तो कोई नहीं था जब नबीम ने मेरी इचा फरमाया था ठीक है पीछे पीछे भाग रहे हैं लव्ड ईच अदर कि तू हदीस नहीं सुनाया किसी को ये इस इस लेसन से एक वाकया इस वाक्य से एक लेसन निकलता है याद रखिएगा हमने कभी भी वी आर गारनाऊंगा खुद <laughs> माध बिन जबल ने अबू बकर आगे रिजाइन पुट किया फर्स्ट डे अबू बकर जबल को लेटर किया महदिन जबल आगे के आपने क्या कहा कि मैंने आपको रिपोर्ट करनी

का नाम मेरे उस्ताद लकब में ही लेते हुए थे इस लेवल का मतलब साइकोलॉजी डेवलप करते हैं और हम ये बता भी नहीं सकते कि माँ बिन जबल को साहबी का कहते हो रहे थे इस इस लेवल का स्टैचर है उनका और माँ बिन जबल सदी से पता है कहा कि आई के नॉट रिपोर्ट टू अमन बींग आई रिपोर्ट टू अल्लाह ओनली अगर आपको मेरे तकबा पे मसला है तो फिर तो कहानी ख़त्म मगर अगर आपको पता है कि मैं अल्लाह के से वाला हूँ तो फिर आपको मैं मुझसे रिपोर्ट नहीं लेनी चाहिए आपको ऑफ कोर्स डिस्प्यूट था वी ऑल अग्री विद अमू बकर सिद्दीक प्रिंसिपल डिसीजन कि भाई मेरे भी तो सवाल होना ना तुम जितनी मर्जी मुझे मेरे से तो, तो अलग सवाल होना कि भाई रहिए तो तेरे अंडर आ गई थी सो ही रिजाइंड राइट ऑन द स्पॉट नॉट रिपोर्ट टू अग आई वट द लेसन फ्रॉम दीज लेसन फ्राम द स्टोरी वेरी सिंपल मुस्लिम साइकोलॉजिकली सबसर्वियू प्लीज अदर पीपल है ही नहीं यहाँ तक कि मैं आपको सैकड़ों वाकत सुनाऊँ इसमें सहाबा अगर वो वाले जुमले पाकिस्तान में बोले जाएँ तो घर टूट जाए माँ बाप के रिश्ते टूट जाए बीवी मियाँ के रिश्ते टूट जाएँ बहन भाई के टूट जाए हम इतने प्रोन हैं एक एक लोगों को खुश करने के लिए और उसको हमने कर्टसी की डेफिनेशन दिया हुआ है मामल, क्या मामला फहमी इसको मत आती है इसकी सेंस ठीक है हालांकि वो सारी गलत डेफिनेशन हैं साहबा जिस तरीके से बात करते एक साहब भी पाकिस्तान में आ जाए खानदान खानदान वालों की तो नाक कट गई क्योंकि बड़ों के सामने उन्होंने ये बात कर दी या फिर सब को गलत कह दिया या फिर किस मौके के ऊपर क्या बात है हम छुपाते होते हैं उन्होंने कर दी है मैं आपको इसी तीसरी बात बता रहा हूँ और ये सब का सब एक ही अमरेला के अंदर आ रहा है या लधीना मनकुल्ल वकूल को सदीदा या अल्लाह से अगर डरता है तो फिर सीधी बात करेगा ही करेगा तो अगर अल्लाह से नहीं डरता तो हर जगह टेढ़ी बात करनी पड़ेगी क्योंकि हर एक को खुश करना पड़ता है

यहाँ पे दावत पे आए हैं पॉडकास्ट है पीपल जो नो जब वो इधर आते हैं कि भाई अगले बंदे ने सवाल करने हैं और इसका कोई पर्पज है लोगों की अवेयरनेस एजुकेशन आपका पर्पज़ है यू नॉट हियर टू टेल देम हाउ गुड आई एम और हाउ यू नो राइट आई एम यूर पर्पज इज टू शो दैम व्हाट इज राइट नॉट हु इज राइट पोटेंशियल ठीक है अब अगली बार जब साहिल भाई आएंगे तो तूने उनको फिर से ग्रिल करना है ठीक है आई नो हमने कहा था कि इंटरप्ट नहीं करना बट अब अगली बार और इंटरप्ट करना है ओके सो देखो देखो साहिल भाई थैंक यू फॉर कमिंग यू गाइस लव यू अस्सलाम वालेकुम